अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद है लाइफ विद हिजाब। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक फिट फाट। आप सुनाओ कैसी हो? एज यूजुअल हिजाब हाजिर। माशाल्लाह से आप तो नंबर ले गई हैं, आज तो पहले आ गई हैं, सबसे पहले आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। मैं आजकल कोशिश के बावजूद 10-15 मिनट लेट आ रही हूँ। वीडियो जो है मैं वो एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो वो कंप्लीट करके ना फिर करती हूँ, थोड़ा काम उसका रह गया था। और हिजाब कहती है जिगर लाइव को शेयर करूँ वाचिंग बड़े फिर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, बिजी होते हैं सारे तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। थोड़ी देर गपशप करेंगे तो फिर चलते बनेंगे, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। हिजाब कहती है मैं ज़रा कम्युनिटी पर शेयर करूं करके आ रही हूँ। ओके थैंक यू सो मच हिजाब। अच्छा, 5 से ऊपर वाचिंग करनी है ना, वरना लाइव स्पैम में चली जाएगी बाजी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ओके कुकिंग कॉर्नर ऑफ इस्मत। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम लाइक डन। थैंक यू सो मच, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में। इस्मत आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अच्छा हिजाब, मुझे तो नहीं पता है इतनी बारीकियों का। अच्छा जी, हिजाब कहती है बैक, थैंक यू सो मच। एंड इस्मत कहती है आप सब कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर? अल्लाह का शुक्र हम फिट फाट हैं, आप सुनाओ कैसी हो इस्मत? एंड हिजाब कहती है कर दी शेयर, थैंक यू सो मच। इस्मत कहती है आज क्या कर रही हैं सिस्टर? हिजाब कह रही है कर दी है शेयर, आप भी अपनी कम्युनिटी पर शेयर करो जिगर। अच्छा मैं नहीं कर सकती, उस दिन भी मेरी कट हो गई थी जैसे मैंने शेयर करने की कोशिश की थी, तो चलो आज चलने देते हैं। कल भी मेरे इतने ज़्यादा तो नहीं थे, मतलब इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मेरी तो ठीक थी बहुत ज़्यादा। चलो WT नहीं मिला, लेकिन यह है कि क्या पता फिर। इसमत कहती है सिस्टर आपको इंस्टा पर ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच माई इंजॉय लाइफ। हाय हाय, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में। थैंक यू सो मच माई इंजॉय लाइफ। हेलो माय लाइफ, हिजाब कह रही हूँ हेलो। अभी तो मैं पोटैटो छील रही हूँ साथ में। अच्छा इस्मत कह रही हैं हिजाब सिस्टर अस्सलाम वालेकुम माय एंजॉय लाइफ। कहती है आई एम वदार सिस्टर ऑलरेडी डन दिस चैनल, थैंक यू सो मच। ओके हिजाब कहती है ओके ओके अभी रहने तो, कल से करना आप। ओके ठीक है, इंशाल्लाह करूंगी मैं कल। और माय एंजॉय लाइफ कहती है लाइफ है। विदार कुकिंग जी, मुझे याद आ गया है, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है। और
आलिया सिस्टर ने जो ज्वाइन किया है, लाइक डन, थैंक यू सो मच आलिया। और खुशामदीद है आपका, मेरी एलवी में आपने ज्वाइन किया है और हिजाब करती है। वालेकुम अस्सलाम इस्मत सिस्टर, हाउ आर यू? एंड आलिया से हाय माय एंजॉय लाइफ कहती है, हाय आलिया। एंड आलिया सिस्टर कहती है अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आलिया सिस्टर कहती है लाइक डन, थैंक यू सो मच। गुले फातिमा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है होस्ट? लाइक डन डियर, थैंक यू सो मच। एंड खुशामदीद है आपका मेरी एलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है। हिजाब कहती है ओए आलिया आ गई, वेलकम है जी। और आलिया कहती है वालेकुम अस्सलाम, कल मैंने बड़ी कोशिश की थी आलिया की एलवी में पहुंचने की, लेकिन नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी आलिया। और आलिया कहती है वालेकुम अस्सलाम, हिजाब कहती है वालेकुम अस्सलाम फातिमा सिस, हाउ आर यू? एंड गुले फातिमा कहती है क्या हाल है हिजाब सिस्टर। इस्मत कहती हैं लाइव विद गुले फातिमा, कैसी हैं आप? और गुले फातिमा आई एम फाइन, आप सुनाएं। एंड हिजाब कहती हैं मैं भी ठीक ही हूँ फातिमा सिस, माई एंजॉय लाइफ कहती हैं आलिया हाउ आर यू। आलिया सिस्टर कहती हैं मैं मेन आईडी से मैसेज नहीं जा रहे, इस वजह से इस आईडी से आई हूँ, इट्स ओके इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, थैंक यू सो मच। और आलिया कहती हैं जी हिजाब आंटी मैं आ गई। और गुले फातिमा कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्मत सिस, आप सुनाएं। और हिजाब कहती है क्यों आलिया से इस मैसेज क्यों नहीं जा रहे, सम टाइम फ्रीज हो जाता है ना कर। अच्छा आलिया सिस्टर कह रही है माई एंजॉय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड यू। इस्मत कहती हैं लाइव विद हिजाब सिस्टर, आप कैसी हैं? यू गो प्ले गार्डन, गो प्ले द गार्डन, इट्स ओके। अच्छा हिजाब करती है अच्छी हूँ इस्मत सिस। गुले फातिमा ओए होए आज तो आलू बन रहे हैं होस्ट। हाँ जी आलू अभी मैं कर रही हूँ, मैश पोटैटो बनाना है हलीमा के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। और इस्मत कहती है लाइव विद गुले फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आलिया सिस्टर कहती है हिजाब आंटी पता नहीं क्या हुआ है, सिर्फ लाइक डन आ रहे हैं, बाकी कोई मैसेज नहीं आ रहे। अच्छा और माई जॉय लाइफ कहती हैं आलिया ओके आई एम फाइन। एंड लाइफ विद हिजाब कहती है हो जाएगा ठीक खुद ही। हाँ जी थोड़ी देर या रीस्टार्ट करो तो हो जाएगा, इट्स ओके। एंड सम टाइम हो जाता है फ्रीज, ओके। आलिया सिस्टर कहती है ओह ओह विदार विदार कुकिंग। गुले फातिमा कहती है वाह जी वाह। हिजाब कहती है मैसेज फ्रीज हो जाते हैं फिर लोड ही खुद ही ठीक हो जाते हैं, ओके। माय एंजॉय लाइफ कहती है यस आलिया। गुले फातिमा कहती है माय एंजॉय लाइफ प्लीज कम। एंड आलिया सिस्टर कहती है कैसी हैं आप, मुझे पूछ रही हैं आलिया सिस्टर। मैं ठीक फिट फाट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फिर मेरे किचन में बन रहे हैं आलू। ओके माय एंजॉय लाइफ कहती है लाइफ ओके लेटर आई एम नाउ बिजी, इट्स ओके इट्स ओके ओके। ये किसने कहा था? गुले फातिमा ने कहा था। अच्छा गुले फातिमा आप उनको ज्वाइन कर लो तो वो फिर आपको बैक कर देगी ना। हिजाब कहती है जब कुछ समझ ना आ रही हो पकाने का तो आलू ही आलू जिंदाबाद। और आलिया सिस्टर कहती है जी आपसे ही पूछ रही थी मैं, जी जी मैं बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी बिजी हूँ आजकल, आजकल क्या हो रोज़ ही होती हूँ, क्या क्या कहूँगा मैं, रोज़ ही बिजी हो जाती हूँ। माई एंजॉय लाइफ कहती है बाय सिस्टर आई एम बिजी, थैंक यू सो मच आप आई, इतना टाइम दिया, जजाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच माई एंजॉय लाइफ, इट्स ओके आप जा सकती हैं। गुले फातिमा कहती हैं इट्स ओके एंजॉय लाइफ। और माई एंजॉय लाइफ कहती है बाय आलिया। एंड इस्मत कहती हैं माई एंजॉय लाइफ हमारी तरफ आई आई हैं। और हिजाब कहती हैं बाय माई एंजॉय लाइफ।
और बाय ऑल फ्रेंड्स इंजॉय लाइफ कहती हैं, और आलिया सिस्टर कहती हैं बाय माय इंजॉय लाइफ, और इस्मत कहती हैं हा, गुले फातिमा ये मेरी हिजाब सी से बिल्कुल सही, आलू मियाँ खा गए थे। अच्छा मेरा मसला यह है कि मेरी फैमिली में आलू नहीं पसंद किए जाते ना ज़्यादा, तो मेरे तो कई महीनों के बाद कभी कभार बनते हैं, वो मेरा खुद का दिल करे तो, बाकी कोई खाता नहीं आलू, मसला ये होता है। और इस तरह होते हैं जैसे मैश पोटैटो नहीं हो गया, इस तरह मैश पोटैटो साथ फिश फिंगर और इस तरह की चीज़ें साथ बना के ना फिर वो थोड़ा खा लेते हैं बीन्स वगैरह डाल के। तो बच्चे और हस्बैंड को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं कभी कभार खा लेती हूँ, जैसे होता है ना आलू मटर इस तरह की सब्जी हो तो फिर मुझे वो अच्छी लगती है। आज मैंने सोचा था कि मैं इस आलू जो है ना ऐसे ही जो सूखे वाले होते हैं उस तरह से बनाऊंगी, थोड़े से खाने सिर्फ मैंने ही है तो फिर फायदा कोई नहीं है इतने ज्यादा बनाने का। अच्छा हिजाब कहती हैं आलू मियाँ अक्सर टोकरी में सो रहे होते हैं, हाँ हाँ फातिमा सिस, और आलिया कहती है हाँ हाँ इस्मत कहती है हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, सोते सोते ही उतनी गल सड़ जाते बेचारे। अच्छा गुले फातिमा कहती है साथ साथ हूँ, आलिया सिस्टर कहती है गुले फातिमा कैसी हैं आप। और इस्मत कहती है लाइव विद गुले फातिमा कैसी हैं आप, कहाँ रहती हैं। हिजाब कह रही है हम तो हर सब्जी में आलू, चिकन में आलू, गोश्त में आलू, साग में आलू, बस आलू ही आलू, तभी तो खुद भी आलू ही आलू बन जाते हैं, हाँ 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 आलिया कहती है अस्सलाम वालेकुम। आज आलिया मेरे मेरे दर पे, यहाँ इसकी आईडी का कमेंट बंद है। अच्छा आलिया हाँ हाँ कर रही है, इस्मत कहती है हाँ 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 मैं बात भूल गई कि मैं क्या कहने लगी थी। ये इस तरह से व्हाइट वाले इस तरह के आलू होते हैं ना, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, तो मैंने ट्राई किए हैं एक जो रेड वाले पिंक वाले होते हैं ब्राउनिश कलर के, वो वाले उनका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन इनका इतना अच्छा टेस्ट यहाँ पर नहीं होता, तो इसलिए जो है ना फिर नहीं मज़े के बनते ना, वो पाकिस्तान वाले जो आलू है ना वो मज़े के होते हैं, उनका टेस्ट अच्छा होता है, अच्छे लगते हैं। ये तो इतने जल्दी गल जाते हैं, सारी शेप ही खराब हो जाती है, बेशक थोड़ा टाइम भी इनको कुक करो तब भी, तो मैश वगैरह के लिए अच्छे रहते हैं, बाकी किसी काम के नहीं होते, इतना मज़ा नहीं होता इनका। ओके आलिया सिस्टर कहते हैं हिजाब सी से मुझे भी खाना है, और सोच इंसानियत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद है आपका मेरी अलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। हिजाब सिस्टर कहती है आज आ जाओ आलिया बेटा, खिलाती हूँ आलू। आलिया सिस्टर कहती है वालेकुम असलाम, इस्मत कहती है वालेकुम असलाम भाई, एंड हिजाब कहती है वालेकुम असलाम, सोच भाई वेलकम है, आप कैसे हैं भाई। आलिया सिस्टर कहती है गोश्त के आलू खाऊंगी। आलिया कहती है सोच भाई वालेकुम असलाम, हाँ गोश्त में मज़े के लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिजाब सिस आप सुनाओ, सोच भाई कह रहे हैं
सोच इंसानियत भाई कहते हैं, आलिया आप कैसी हैं, हिजाब कहती हैं अच्छी अच्छी हूँ, सोच भाई इस्मत कहती हैं सोच इंसानियत भाई आप कैसे हैं, आलिया सिस्टर कहती हैं सोच भाई इतना क्या सोचना मेरी हेल्प के लिए, और सोच इंसानियत कहते हैं अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, हिजाब सिस्टर इस्मत कहती हैं लाइफ विद हिजाब सिस्टर आजकल गिफ्ट नहीं मिलते हैं, सोच इंसानियत कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्मत सिस आप सुनाओ, आलिया सिस्टर कहती हैं सोच भाई मैं ठीक नहीं हूँ कोई सवाब ही नहीं कमा रहा इस्मत कहती हैं सोच इंसानियत भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आलिया सिस्टर कहती हैं प्लीज़ कोई कोई है जो सवाब कमाएगा मुझे WT और गिफ्ट दे के, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आलिया सिस्टर हो जाएगा, डोंट वरी फिक्र नहीं करो, मेरे भी गिफ्ट नहीं आ रहे आजकल, इट्स ओके, थोड़े थोड़ा स्लो करके करो ना, वो क्या मैं कहती हूँ ना कि हलवा ठंडा करके खाओ, ज़्यादा गर्म खाओगे ना तो मुँह जल जाएगा इस वक्त कहती है आलिया सिस्टर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी आलिया, मिलके करेंगे, डोंट वरी फिक्र नहीं करनी, साथ मिलके चलेंगे। और आलिया कहती हैं हिजाब सिस का हलवा कोई नहीं, हिजाब सिस के अलावा कोई नहीं कमा रहा सवाब, हा हा हा, अच्छा जी इस्मत कहती है हाँ 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 है जी, हिजाब सिस्टर का तो कोई मुकाबला नहीं है ना किसी का, उनके मुकाबले में तो कोई है ही नहीं, ओके गुले फातिमा कहती है एकदम ऊपर से रील ओके सॉरी, मैं वो हलीमा उधर उसको देखने गई थी, अच्छा एकदम ऊपर सीढ़ी सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, हमें आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हाँ जी गुले फातिमा कहती हैं कि एकदम ऊपर सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, हमें आहिस्ता आहिस्ता चलना है, चढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह डोंट वरी, आलिया कहती हैं नेकी सबको करनी चाहिए है ना, हाँ जी आलिया कहती गुले फातिमा रिटर्न नहीं किया आपने, मैंने आपको बहुत दिनों से किया है अच्छा जी, और हिजाब सिस्टर हम सब की आप ही हैं, उनके उनका जगह कोई नहीं ले सकता है, हाँ जी बिल्कुल उनकी अपनी जगह है, उनकी कोई जगह नहीं ले सकता, और आलिया सिस्टर कहते हैं हिजाब सिस्टर कहाँ खाना गर्म करने गई है क्या, और हिजाब कहती हैं सोच भाई ना कितने हो तुसी, हिजाब कह रही है, और आलिया सिस्टर कहती है हाँ सोच भाई चले गए क्या
और इस्मत कहती है माशाल्लाह कहाँ चले गुले फातिमा, आलिया सिस्टर चैनल नेम बताएं। हाँ जी आलिया सिस्टर कहती है, आलिया सिस्टर है ना है चैनल नेम। और इस्मत कहती है हाँ। आलिया कहती है गुले फातिमा ने तो मुझे अभी तक बैक नहीं किया, भूल गई है। हाँ ना करो लोगो। और हिजाब कह रही है आप लोगों के मैसेज पढ़ रही हूँ, ये सोच इंसानियत मैं इधर हूँ हेलो। और इस्मत कहती है लाइव विद गुले फातिमा हमारी तरफ नहीं आती हैं आप, लाइव विद गुले फातिमा। इस्मत कह रही है लाइव विद गुले फातिमा हमारी तरफ नहीं आती हैं आप। और गुले फातिमा कहती हैं आलिया सिस्टर ऐसा हो नहीं सकता, आप मेरी ओल्ड गोल्ड हैं, मैंने डायरी बनाई हुई है वहां पर, आप डन हो डियर। और शफीक लपे सैका सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खुशामदीद है आपका मेरी अलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। और गुले फातिमा कहती है बोलती मैं कुछ नहीं, अच्छा बोलती मैं कुछ नहीं, अच्छा। हिजाब कहती है सोच भाई पहचान पीछा मुड़ वे भैया तेरी लोड़ पै गई है। और इस्मत कहती है वालेकुम असलाम, आलिया आलिया सिस्टर कहती है सोच भाई मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा आजकल सबके ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं ना, तो इसीलिए सारे थोड़े मोहतात हो गए हैं। आलिया सिस्टर थोड़ा सब्र करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी, फिक्र नहीं करते। और शफीक लबे जायका कहती है लाइक डन, थैंक यू सो मच शफीक लबे जायका। एंड हिजाब कहती है वालेकुम सलाम शफीक सिस, हाउ आर यू। गुले फातिमा कहती है इस्मत सिस इंशाल्लाह आऊंगी, नोटिफिकेशन नहीं आता कभी कभी। हाँ ना नोटिफिकेशन पे मेरे पे जो है ना बहुत सारी ऐसी हैं जिन पे क्रॉस लगा हुआ है, हालांकि मैंने नहीं लगाया था। अब दोबारा मैं जिनके चैनल पे खुद जा रही हूँ ना, तो वहां की जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ है, हालांकि मैंने नहीं किया हुआ था ऑफ, मैंने ऑन किया था। मैं हमेशा जब भी जिसको डन करती हूँ ना उनका नोटिफिकेशन साथ ही ऑन कर देती हूँ। और मैं देख रही हूँ तो शायद जो ड्रॉप हो रहे हैं ना उनके नोटिफिकेशन भी वो साथ साथ ऑफ कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है, कुछ सारा गड़बड़ हो रहा है। सोच इंसानियत कहते हैं हिजाब इंस्टा पर, हिजाब सिस्टर कहती है आला सिस्टर किधर हैं। आलिया सिस्टर कहती है गुले फातिमा आपका एक कमेंट नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा आपने ज्वाइन किया है। और शफीक लबे जैका कहती है आई एम फाइन, हिजाब सिस्टर आप कैसी हैं। आलिया सिस्टर कहती है हिजाब सिस्टर मैं हंसूंगी नहीं अब, मैं हंसूंगी नहीं अब। अच्छा इस्मत कहती है शफीक लबे जैका सिस्टर आप कैसी हैं, सोच इंसानियत आलिया हुक्म करो। और शफीक लबे जैका जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्मत सिस्टर आप कैसी हैं, हिजाब सिस्टर सोच भाई मैनू ना नहीं पता, बस मैं इंस्टा पर आपसे बात करूंगी जरूर इंशाल्लाह। आलिया सिस्टर कहती है शफीक सिस कैसी हैं आप। गुले फातिमा कहती हैं ऐसा हो नहीं सकता, मैं मैसेज के बगैर नहीं जाती किसी के होम। आलिया सिस्टर कहती है सोच भाई इतने मैसेज करें हैं आ ऊपर देखें। और इस्मत कहती हैं बेल आइकॉन को का घंटा दबाइए, ऑल वाला दबाइए, ऑल वाला ही दबाते हैं फिर भी जाना हो जाता है समटाइम। हिजाब शफीक लबजे का कहती हैं हिजाब सिस्टर आज आप मेरे 700 करवा दें। और हिजाब कहती हैं मुझे खुद नोटी नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, ये सब वाइटी खुद ही ऑफ कर रहे हैं। हाँ जी सब ही ऑफ कर रहे हैं। और आप लोग बिलीव रखो सच में हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे एक दूसरे के साथ हैं, तो हमने तो कोशिश होती है कि सबके साथ अच्छे से ताल्लुकात रखें। और इसके बावजूद जो हो रहा है ना, मतलब वाइटी वाले आप वो बहुत तेज़ हो गए हैं, चलाक हो गए हैं। मैंने सोच इंसानियत कहते हैं ओके हिजाब सिस्टर और आलिया सिस्टर के गुले फातिमा आपका कमेंट पता नहीं कहाँ गया, शायद स्पैम में चला गया हो और वहाँ पर चेक करो, तो कई दफ़ा उधर भी चल अन रीड जो होते हैं मैसेजेस वहाँ भी चले जाते हैं। और गुले फातिमा कहती हैं जी जी दबाया हुआ है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता डियर। और इस्मत कहती हैं जितने मेरे फ्रेंड हैं सबका नोटिफिकेशन आता रहता है, इसका मतलब है सबको अच्छे से लाइक किए हैं। और हिजाब कहती हैं कोई और हुक्म शफीक सिस, वैसे कितने कम हैं आपके। आलिया सिस्टर कहती हैं गुले फातिमा जानी दे मत करें कोई बात नहीं डन कर। और सोच इंसानियत कहती हैं आलिया मैं कल सुन रहा था, मैंने नहीं देखे सॉरी।
ओके शफीक लबेजायका कहती हैं 25 गिफ्ट कम है हिजाब सिस्टर। ओके हिजाब कहती हैं सोच भाई आज तो सर में भी इतना पेन है इस वाइटी की वजह से। और आलिया सिस्टर कहती हैं सोच भाई मैं क्या क्या कहूँ जाने दें आप भी। और आलिया सिस्टर कहती है स्पैम में भी नहीं ना मैं चेक कर चुकी हूँ। इट्स ओके आलिया सिस्टर इट्स ओके। और लाइव विद हिजाब कहती है शफीक सिस वैसे एक बात है अगर आज एक साथ लेंगी तो डबल ड्रॉप हो जाएंगे। हिजाब कहती हैं आप थोड़ा स्लो स्लो गिफ्ट्स लें शफीक सिस। ओके और शफीक कहती हैं तो ठीक है धीरे धीरे पूरे करवा दें। हिजाब सिस्टर इसमत कहती हैं लाइव विद हिजाब सिस्टर हमें भी गिफ्ट दे दीजिए ना। थोड़ा थोड़ा स्लो करके करें प्लीज। इस तरह से जब गिरते हैं वो ज्यादा तकलीफ दे हैं तो आप लोग जो है ना जल्दी ना करें प्लीज। थोड़ा स्लो स्लो काम करें और जो है खुद से किसी को ज्वाइन कर लिया करें। तो इस तरह हिजाब की अलवी जब होती है तो वहां पर आप सब लोग वहां साथ होते हो तो खुद एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया करो। इस तरह से एक होस्ट का काम काफी बढ़ जाता है फिर वो सबको ज्वाइन भी करवाया और सबकी तो इस तरह से जो है ना काफी मुश्किल जॉब हो जाती है। तो आप खुद से जो है कोशिश किया करें किसी को ज्वाइन कर लिया करें। तीन चार लोगों को करोगे तो ए दो तीन तो आपको बैक जरूर करेंगे ना। और आलिया सिस्टर कहती है साथ हूँ एररलेस फैशन। हाय हाय एररलेस थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया खुशामदीद है आपका मेरी अलवी में। इसमत कहती है चाय बना ली है एररलेस फैशन कहती है लाइक डांस सोच इंसानियत तो परेशान ना हो हिजाब सी। हाँ जी बिल्कुल फिक्र नहीं करो हिजाब इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्लोली स्लोली हो जाएगा। थोड़ा रिलैक्स करो इट्स ओके थोड़ा टाइम लेता है अभी टाइम है ना इंशाल्लाह हो जाएगा डोंट वरी। और आलिया सिस्टर कहती हैं इसमत सिस मुझे भी पिलाएं चाय। और आलिया सिस्टर कहती हैं सोच भाई सुनेंगे और सोच इंसानियत। आलिया आजकल बहुत मसला है थोड़ा सब्र करो। जी जी बिल्कुल आप सबको पता होगा कि आजकल जो हालात वैसे भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो थोड़ा सा सब्र करें। शफीशा अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद है आपका मेरी अलवी में। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आई है मेरी अलवी में तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। और शफी शाह कहती है कैसी हैं सिस्टर जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक फिट फाट हूँ आप सुनाए आप कैसी हैं। वालिया सिस्टर कहती है वालेकुम अस्सलाम शफी शाह सब फ्रेंड्स कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र फिट फाट है। शफी शाह कहती हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच। एंड आर्या सिस्टर कहती हैं सोच भाई मैंने कहा गरीबों को भी WT और गिफ्ट दें नेकी कमाए मैं भी आपको आपकी बहन हूँ। आर्या सिस्टर वालेकुम अस्सलाम। शफी शाह कहती हैं जी जी आपको फ्रेंड बना लिया है सिस्टर जी जजाक अल्लाह खैर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह लाइव के बाद मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। मैं अभी लिख लेती हूँ सॉरी मैं आपको कल 24 आवर्स के बाद जो है ना फुल WT के साथ आपको ज्वाइन करूंगी डोंट वरी शफी शाह। ओके तो आपने भी फुल W कोई भी मेरी छोटी बेशक 2 मिनट 1 मिनट वाली वीडियो पर कर दें लेकिन फुल WT के साथ करें। आई होप के गिरेगा नहीं। तो आजकल ये जो ड्रॉप हो रहे हैं ना काफ़ी मसला होता है इससे। अच्छा शफी शाह को कौन ज्वाइन करेगा माशाल्लाह से इन्होंने आज फर्स्ट टाइम मेरी अलवी को ज्वाइन किया है तो प्लीज इनकी कोई ना कोई हेल्प करे कोई इनको ज्वाइन करे। वेलकम का गिफ्ट एक आध दे दे प्लीज।
शफी आप प्लीज जो है वीडियो पर कमेंट जरूर छोड़िएगा ताकि फिर मुझे पता चले। और मैं आपका नाम अभी लिख लिया है मैंने आपका नाम, तो आपको मैं इंशाल्लाह बैक करूंगी, डोंट वरी, फिक्र नहीं करना। शफीशा आलिया सिस्टर कहती हैं वालेकुम अस्सलाम। शफीशा जी जी आपको फ्रेंड बना लिया है सिस्टर जी, आप लोग मेरी हेल्प करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और यहाँ पर जो भी न्यू है शफीशा के लिए प्लीज़ इनको ज्वाइन करें। सोच इंसानियत, मैं आप बहनों के साथ हूँ, किसी को परेशान नहीं होने दूंगा, बस थोड़ा सब्र करो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करो थोड़ा। और आलिया सिस्टर कहती हैं सोच भाई इंशाल्लाह, एंड आलिया सिस्टर कहती हैं साथ हूँ, थैंक यू सो मच, एंड शफीशा सब फ्रेंड्स ओके। जीशान हैदर लाइक डन, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन की मेरी अलवी, खुशामदीद है आपका, और थैंक यू आपने लाइक भी कर दिया। और आलिया सिस्टर साथ है, आलिया सिस्टर प्लीज 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 ऑन लिख दो, साथ लिख दो, लेकिन जी एमोजीज ना भेजा करो प्लीज। आलिया बटिक्स कहती हैं क्या हाल है सिस, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आलिया सिस्टर। शफीक लबे जैका कहती हैं शफीशा ज्वाइन मी, आपको टू गिफ्ट रिटर्न करती हूँ। जी हाँ शफीशा, आप इनको शफीक लबे जायका को ज्वाइन कर लो, तो वो कह रही है वो आपको दो गिफ्ट देंगी इंशाल्लाह। सोच इंसानियत कहती है आलिया अब क्या कहूँ तुम्हें सिस्टर। जिशान भाई कहते हैं कि सिक्स से चेंज, हाँ जी किसी के पास मजीद आईडीज है तो वो जिशान भाई की तरफ चले जाएँ, वो कहते हैं कि वो छः से आपको एक्सचेंज करेंगे, जितनी आईडीज आपके पास हैं उतनी आईडी से आप जिशान भाई को करें तो वो आपको बैक करेंगे उतनी ही आईडी से। और आलिया पति कहती हैं लाइक डन के साथ, थैंक यू सो मच आलिया सिस्टर। जिशान माशाल्लाह, आलिया सिस्टर कहती हैं सोच भाई कुछ ना कहें बस करके दिखाएं। जिशान भाई कहते हैं सिक्स चेंज, हाँ जी प्लीज़ अगर किसी के पास मजीद आईडीज हैं तो प्लीज जिशान भाई से रब्ता करें, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो उनके पास सिक्स आईडीज हैं, तो अगर कोई मजीद गिफ्ट चाहता है तो प्लीज़ जीशान भाई से रब्ता करें। और सोच इंसानियत कहते हैं आलिया एक बात पूछे पूछी है झूठ नहीं बोलना, पूछनी है झूठ नहीं बोलना। आलिया सिस्टर कहते हैं जीशान भाई मैं उनके ऑन करके फिर से कर दूं, सिक्स मिलेंगे ओके। जीशान भाई कहते हैं माशाल्लाह, आलिया सिस्टर कहती हैं सोच भाई पूछे इंस्टाग्राम पर हमारा फैमिली व्लॉग, सलाम सिस्टर कैसी हैं आप, लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच हुमैरा, आपने लाइक भी कर दिया है, खुशामदीद है आपका मेरी अरबी में, आपने ज्वाइन किया जजाकल्लाह खैर। वजीशान भाई कहते हैं समझ नहीं आई, आलिया सिस्टर कहती है इंशाल्लाह सच के सिवा कुछ नहीं। और हुमैरा और बार बार मेरा गला बंद हो रहा है। हुमैरा फैमिली कहती हैं और हिजाब मेरी बहन कैसी हैं आप। और शहनाज लाइफ पा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद है आपका मेरी अलवी में, थैंक यू सो मच शहनाज, आपने ज्वाइन किया जजाकल्ला खैर। आलिया सिस्टर कहती हैं वालेकुम अस्सलाम शहनाज लाइफ पा कहती हैं लाइक डन के साथ हाजिर हूँ, थैंक यू सो मच शहनाज, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला जजाकल्ला खैर। हुमैरा फैमिली व्लॉग्स कहती हैं ओ मेरी प्यारी बहन शहनाज आ गई है, कैसी है शहनाज, कहती हैं कैसे हो सब। और आलिया सिस्टर कहती हैं पानी पी लीजिए इंशाल्लाह ज़रूर, लवली लाइफ विद शफक ऑन, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया है, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, एंड खुश आमदीद है आपका मेरी अरबी में, आपने ज्वाइन किया। शहनाज कहती हैं सबको सलाम मेरा, वालेकुम अस्सलाम, शहनाज कहती हैं जी जी मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं। और आलिया सिस्टर कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, सोच इंसानियत भाई कहते हैं अस्सलामु अलैकुम शहनाज सिस्टर। और शहनाज कहती हैं वालेकुम अस्सलाम लवली, एंड लवली कहती हैं साथ हूँ, थैंक यू सो मच लवली सिस्टर, एंड शहनाज लाइफ पा कहती हैं वालेकुम अस्सलाम सोच भाई। प्लीज़ अगर कोई एक दूसरे के लिए न्यू है तो ज्वाइन कर लें एक दूसरे को,
और जिशान भाई कहते हैं कि उनके पास सिक्स आईडीज है, तो वो सिक्स से अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है तो प्लीज उनको ज्वाइन करें, जिशान भाई को ज्वाइन करें, तो आपको सिक्स गिफ्ट मिलेंगे एक्सचेंज में। ये नहीं है कि आप एक दोगे तो वो देंगे छः, लेकिन अगर आपके पास छः आईडीज हैं तो फिर आपको छः मिलेंगे। आलिया सिस्टर कहती है साथ हूँ, थैंक यू सो मच। एंड शफीक लबे जायका कहती है शफी शाह सिस्टर आपको डन कर दिया है, थैंक यू सो मच शफीक लबे जायका। इसी तरह खुद से आगे बढ़े, आगे कदम बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। और आलिया सिस्टर कहती है शफीक सिस कैसी हैं आप, हमारा फैमिली व्लॉग्स कहती हैं सच सच इन सानिया भाई, सानिया भाई कैसे हैं आप, सर्च इंसान सानिया भाई कौन है। ओके शहनाज कहती हैं प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे प्लीज़ मुझे कोई भी ज्वाइन नहीं करे प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ओके शहनाज कहती हैं मुझे कोई भी ज्वाइन ना करे, सोच इंसानियत कहती हैं कहते हैं सॉरी। अब सुन शहनाज है, और शहनाज ने भी कुछ डिलीट कर दिया, हुमैरा ने भी, और फनी पोइट्री एज अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद है आपका मेरी अलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है। हमारा फैमिली ब्लॉग कहते हैं सोच भाई कैसे हैं आप, फनी पोइट्री कहते हैं क्या हाल है, शहनाज लाइफ पा कहती हैं क्या सुनूं सोच सोच भाई, और लवली लाइफ विद शफक ऑन है साथ हैं, थैंक यू सो मच। और सोच इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह हुमैरा, शफीक लबे जायका कहती है जी अल्हम्दुलिल्लाह आलिया सिस्टर फनी पोट्री, आप आलू काट रही हैं, जी हाँ मैं साथ साथ काम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ यूके में अभी टाइम होने वाले हैं 12 बजने वाले हैं, तो मेरा ये लंच का टाइम होता है तो थोड़ा बिजी टाइम होता है, तो बाकी पाकिस्तान और इंडिया में आप लोग जो है वो उनका जो है 3 o'clock होता है इवनिंग टाइम, टी टाइम होता है आपका, तो इस वजह से जो ना टाइमिंग का मसला हो जाता है, तो इसीलिए मैं साथ साथ काम करती रहती हूँ, साथ है एलवी भी करती हूँ, इसी तरह मेरा सिस्टम चलता रहता है। अच्छा जी प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली अस्सलाम वालेकुम सिस कैसी हैं, वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद है आपका मेरी एलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है, बहुत मुझे खुशी हुई है प्रिंसेस आपने ज्वाइन किया है। फनी पोएट्री हंस रही हैं, प्लीज़ एमोजी से ग्रेज करें, अवॉइड करें प्लीज़, ये मत भेजा करें साथ हाँ हाँ ही लिख दे, मैं समझ जाती हूँ कि हंस रहे हैं। और शहनाज लाइफ पा कहती हैं अदरक वाली चाय कोई पिएगा, हाँ मुझे दे दो, मेरा आज गला बड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो अदरक वाली चाय मुझे चाहिए भेज दो। और सोच इंसानियत वाह शहनाज वाह, हमारा फैमिली ब्लॉग्स कहती हैं शहनाज कैसी हो, ठीक हूँ, और लवली लाइफ विद शफक कहती हैं इतनी गर्मी में अदरक की चाय, शहनाज कहती हैं इटली नू वेख के आना इन्ना खुश असलमाबाजी, और प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली बिग लाइक डियर नाइस एलवी, थैंक यू सो मच। प्रिंसेस लाइफस्टाइल मेरी अच्छी अच्छी दोस्त है माशाल्लाह से, हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती हो गई है, तो काफ़ी टाइम से मैं जानती हूँ ना प्रिंसेस सिस्टर को भी। और सोच इंसानियत कहती है मुझे पिलो जुकाम है लगा हुआ रात से, शहनाज है, शहनाज कहती हैं जी जी सोच भाई जरूर, शहनाज क्यों क्या मैंने आपका इस्तकबाल अच्छे से नहीं किया है, शहनाज मैंने भी आपका उसी पुरजोश अंदाज में आपका इस्तकबाल किया था। और आलिया सिस्टर कहती हैं ऑन द मोबाइल कॉम काम कर रही थी अब भी ऑन है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
अच्छा लवली लाइफ विद शफकत के, असलमा हिजाब कहाँ है? हिजाब अभी इधर ही थी थोड़ी देर पहले, अब बिजी हो गई होंगी, कोई काम कर रही होंगी। ओके शनाज कहती हैं, अरे नहीं असलमा बाजी इसलिए नहीं बोला, आपकी वॉइस एकदम से अप हुई थी तब बोला। अच्छा कभी कभी वो ज्वाइन करती है ना, वो बिजी होती हैं तो कभी कभी आती हैं, तो अचानक से जैसे कोई आ जाए ना तो फिर वो। वैसे मेरी कोशिश होती है कि सबका मैं इस्तकबाल वैसे ऐसे ही करती हूँ, जो जो जब जब ज्वाइन करता जाएगा ऐसे ही इस्तकबाल होता रहेगा। लेकिन आज मसला मेरा यह है ना कि जैसे मैं थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। हैपन बेबी, व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा जी, शहनाज कहती है मेरा वेलकम तो आप बहुत ही अच्छा करती हैं सिस्टर, मैं कोशिश करती हूँ सबका ऐसे करूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जो जो साथ में ज्वाइन करते जाते हैं ना, मुझे सब के आने की बहुत खुशी होती है। और प्रिंसेस सिस्टर कहती हैं, आज क्या बन रहा है सिस खाने में? आज मैश पोटैटो बनाया है अभी मैंने उसे हलीमा के लिए, और अब मेरा दिल है कि आज जो आलू है थोड़े से मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, घर में कोई आलू और खाता नहीं तो अपने लिए आलू बन रहे हैं आज। जब कुछ ना समझ में आए कि आज क्या पकाना है तो आलू पका लो, बस आलू पका लो या आलू मटर, आलू अंडे, कुछ इस तरह से। तो मैं आज सिर्फ आलू बनाऊंगी मसाले वाले। अच्छा लवली लाइफ विद शफक कहती हैं, तबीयत ठीक है उसकी। राहील कुरान अकेडमी, हाजी कमरान खान हियर, बिग लाइक, थैंक यू सो मच, खुश आमदीद आपका मेरी अलवी में, आपने ज्वाइन किया, जजाकल्ला है। शहनाज कह रही है सलाम कामरान भाई, और आज मैंने आपकी वीडियो वॉच की थी। जी, व्हाट्स रॉन्ग? और क्या करिए, व्हाट डिड यू डू? शहनाज कह रहे हैं सलाम कामरान भाई, शहनाज कह रही है बच्चे तो आलू शौक से खाते हैं। खाते हैं लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है, या ना बच्चे ना बड़े, कोई भी नहीं खाता, ना मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता, मैं फिर अपने लिए कभी कभार कई महीनों के बाद फिर बनते हैं। और हुमैरा कहती हैं, शहनाज आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, नाराज़ है क्या? शनाज कहती हैं, कौन सी बात है मेरी मोमो, सॉरी मैंने देखा नहीं है। और शनाज कहती हैं, तू तो अपनी जान है मोमो, सोच इंसानियत। ओके भाई, ओके भाई, रात से बहुत तेज़ बुखार है, अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच सोच भाई, आपने इतना टाइम दिया, जजाक अल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और ठीक है आप जा सकते हैं, इट्स ओके। और प्रिंसेस सिस्टर ने, जिन जिन सिस्टर्स ने प्रिंसेस को ज्वाइन किया था उन्होंने मुझे प्रूफ भी भेजा था, उन्होंने सबको बैक कर दिया था विद कमेंट्स, तो आई होप सबको गिफ्ट्स मिल गए होंगे। और आलिया सिस्टर साथ हैं, जवाद वॉइस, सलाम टू ऑल, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, खुश आमदीद है आपका मेरी अलवी में। और आलिया सिस्टर कहती है, हलीमा कैसी है? हलीमा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन वही थोड़ी बोर्ड हो जाती है, मैं जब इतना टाइम फ़ोन पे होती हूँ ना तो फिर उसका यही मसला होता है कि वो मैं इतना टाइम इधर फ़ोन पे क्यों करती हूँ, तो फिर वो थोड़ी थोड़े टाइम बाद आती है, तंग करती है, और फिर दोबारा टीवी देखना शुरू हो जाती है।
मैश पोटैटो की बन गया है। प्रिंसेस लाइफस्टाइल इटली कहती है सिस मैं साथ ही हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू है बाबा, अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू सो मच, खुशामदीद है आपका, मेरी एलवी में आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आए हैं। और आलिया सिस्टर कहती है मैं ऑन हूँ, काम कर रही हूँ, थैंक यू सो मच आलिया सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम आलिया सिस्टर। नवीद भाई कैसे हैं आप? हिजाब सिस्टर मैं आ गई हूँ, थैंक यू सो मच, आपका जो है ना बड़ा जिक्र हो रहा था, बड़े पूछ रहे थे कि हिजाब सिस्टर किधर किधर है, किधर है, किधर है। वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई आप, और इधर वाजी वाह, अच्छा आप जानते हैं, अच्छा थैंक यू सो मच। एंड हिजाब कहती है मैं एक जरूरी काम से थी, इट्स ओके इट्स ओके, मुझे पता था आप आई थी, इस्लाम दुआ किया था, इट्स ओके, कोई मसला नहीं होता। लाइफ हिजाब कहती है मैं एक जरूरी काम से थी, अच्छा नवीद शेख फिशिंग व्लॉग अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में। और आलिया सिस्टर कहती है वालेकुम अस्सलाम, एंड लाइफ हिजाब कहती है वड्डा सारा वेलकम है नवीद भाई एंड हुमैरा फैमिली व्लॉग, जब आज 4 दिन हो गए हैं हिजाब, अब 4 दिन हो गए हैं यार, कोई गिफ्ट नहीं मिला, प्लीज़ कोई एक गिफ्ट दे दो। नवीद शेख फिशिंग व्लॉग्स कहते हैं हिजाब सीस मेरे को पकड़ने गई थी, अच्छा। हिजाब कहती है ये तो अपने भाई भाई हैं असलम सीस, जी जी आपकी एलवी में देखती रहती हूँ, थैंक यू सो मच। और नवीद शेख फिशिंग व्लॉग भाई कहते हैं यहाँ लाने के लिए जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू हिजाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अच्छा हिजाब सिस्टर कहती है मैं लाई हूँ नवीद भाई को असलम सिस, जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच हिजाब सिस्टर। एंड नवीद शेख भाई कहते हैं आलिया सिस हाय, आलिया सिस्टर सपोर्ट, नवीद भाई कैसे हैं आप, एंड तलहा कमाल अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है, जजाक अल्लाह खैर, तलहा मेरे बेटे का नाम है और माशाल्लाह से। और लाइव हिजाब कहती हैं मैं नवीद भाई को बुलाने गई थी, नवीद शेख भाई कहते हैं गुड है, गुड है आलिया सिस, एंड तलहा भाई कहते हैं रेफरेंस हिजाब अली, हिजाब सिस्टर जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच हिजाब सिस्टर, आपने इन भाइयों को भी मजबूर कर दिया हिजाब सिस्टर, इट्स ओके कोई मसला नहीं है, मैं कोई माइंड नहीं करती, अगर कोई अपनी खुशी से ज्वाइन करता है दैट्स फाइन, अगर कोई नहीं करना चाहता इट्स ओके, कोई मसला नहीं होता हिजाब सिस्टर, नो वरीज। एंड हिजाब सिस्टर कहती हूँ हुमैरा सिस प्लीज़ ऐसे ना बोलें, आप को गिफ्ट अभी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिजाब सिस्टर कहती है नवीद भाई ये भी अपनी सिस है भाई। और नवीद शेख कहते हैं हिजाब सिस हुक्म करो अब, और तलहा भाई कहते हैं ओह बेटा हाँ जी और राहिल कुरान अकेडमी कहते हैं हाजी कमरान खान साथ साथ, जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। एंड लाइफ हिजाब कहते हैं नवीद भाई जस्ट रिक्वेस्ट है, हिजाब सिस्टर कहती है कमरान भाई वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और कमरान भाई से पूछ रही हिजाब सिस्टर के आप कैसे हैं बताइएगा इनको। और आलिया सिस्टर कहती है हाजी भाई अस्सलाम वालेकुम,
हिजाब करती है एलवी के कुछ लाइक्स हो जाएंगे और वाचिंग भी। थैंक यू सो मच हिजाब सिस्टर, इट्स ओके इट्स ओके। नवीद भाई कहते हैं सिस गिफ्ट विद बेल, थैंक यू सो मच। और राहिल कुरान अकेडमी कहते हैं वालेकुम असलाम। तलहा भाई कहते हैं ये क्या पक रहा है, ये मैश पोटेटो बच्चों के लिए बन रहा है। जी, और सिंध फूड रेसिपी कहती है सलाम वालेकुम सलाम, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया सिंध फूड रेसिपी। डालिया सिस्टर कहती है वालेकुम सलाम सिंध फूड रेसिपी कैसी है। तलहा भाई कहते हैं ओह अच्छा जी, मेरा यहाँ के यूके का टाइम जो लंच टाइम होता है और 12 बजे होते हैं, तो यहाँ पर फिर ये काम साथ मेरे चलते रहते हैं। और सिंध फूड रेसिपी कहती है क्या बना रहा है बना रही है सिस्टर, मैश पोटैटो बना रही हूँ फिलहाल, और उसके बाद आलू सालन मैंने अपने लिए बनाना है, और ये बच्चों का है आज, वो साथ फिश फिंगर और इस तरह से वेजिटेबल वगैरह ले लेंगे साथ, तो वो वेजिटेबल्स भी इतनी शौक से नहीं खाते, लेकिन बीन्स के साथ ये मैश पोटैटो और चीज़ वगैरह डाल के खा लेंगे। अच्छा सिंध फूड रेसिपी कहती है गुड सिस, एंड सिंध फूड रेसिपी कहती है सही सही। नवीद भाई कहते हैं सिस आपको एलटीआर के गाड़ी भेज दी है, एलटीआर की गाड़ी भेज दी है लेने के, एलवी के बाद आना मेरे घर चाय पीने। अच्छा ओके जी ओके। प्रिंसेस लाइफस्टाइल स्टाइल इटली सिस्टर एलटीआर भी इधर भी लंच टाइम है और मैं लंच फिनिश कर चुकी हूँ, अभी बेटे को फीडर दे रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर भी टाइम तो हो गया ना, 12 बज गए हैं, लेकिन अभी जो है मैं सुबह वो लंच थोड़ा सॉरी लंच कह रही हूँ ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करती है ना, तो फिर थोड़ा टाइम होता है इस वक्त 1 बजे के बाद जब मैं एलवी बंद करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको खाने के लिए बेटी को देती हूँ, बाकी बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो वह स्कूल में ही करते हैं लंच, तो कोई मसला नहीं होता। नवीद भाई कहते हैं अब चलता हूँ आने के लिए, जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। एंड लाइफ विद हिजाब के थैंक्स अलॉट नवीद भाई। एंड आलिया सिस्टर कहती है साथ हूँ, थैंक यू तलहा कमाल, जजाक अल्लाह खैर तलहा भाई। एंड सिंध फूड रेसिपी कैसी कैसी हो हिजाब। और जयान शेख अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह खैर, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है। और लाइफ हिजाब कहती है इटली सिस आई है मेरी बहन, हाउ आर यू। जी, इटली बहन साथ साथ हैं माशाल्लाह से, और राहिल कुरान अकेडमी साथ साथ हैं, थैंक यू सो मच। एंड आर्य साथ हैं वालेकुम असलम। हिजाब कहती हैं अच्छी हूँ सिंध फूड रेसिपी। एंड जयान शेख कहते हैं कैसी हैं आप सिस, जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। एंड मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं। और हिजाब सिस्टर कहती हैं जजाक अल्लाह नवीद भाई, एंड तलहा कमाल मेरे को नींद आ रही है, अब चलता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है, आप जा सकते हैं। और लाइफ हिजाब कहते हैं जिसके साथ फिश का साइन होगा वो नवीद भाई होंगे असलम सिस। ओके ओके थैंक यू सो मच। और जयान शेख हिजाब सिस कितने व्यूज देने हैं और लाइक भी बता दो, और सिंध फूड रेसिपीज माशाल्लाह हिजाब। और तलहा कुमार कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सबको अपनी हिफ्जो मान में रखे, आमीन सुमामी अमीन। तलहा कुमार कहते हैं अल्लाह हाफिज ऑल, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया, जजाक अल्लाह आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर तकरीबन सब ही ओल्ड गोल्ड होते हैं, तो फिर नींद ही आनी है, कोई मसला नहीं, आप जाएं आराम से सो जाएं। और ब्यूटीफुल फैमिली साथ है, थैंक यू सो मच। एंड अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, जजाक अल्लाह खैर। और आलिया सिस्टर वालेकुम सलाम। और हिजाब कहती है नवीद भाई जितना इजीली हो जाए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे भाई, इट्स ओके इट्स ओके, जितना आप कर सकते हैं कोई मसला नहीं है।
ब्यूटीफुल फैमिली आलिया से सके क्या कि क्या हो रहा है और लज्जत लज्जत करदा पकवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है, खुश आमदीद है आपका मेरी अलवी में। आलिया सिस्टर कहती है कुछ नहीं भाई, और ब्यूटीफुल फैमिली भी कहती है आप गिनती जा रही रखो, गिनती जारी रखो। अच्छा। हिजाब सिस्टर थैंक यू सो मच। और आलिया सिस्टर कहती है वालेकुम अस्सलाम हिजाब सिस्टर। आलिया सिस्टर आज कल चुप है भाई, इसको भी उसी आईडीज नहीं टीका लगाया है, उसी आईडी ने टीका लगाया है। अच्छा। लज्जत कथा पकवान कहते हैं हिजाब सिस्टर कैसी हैं आप। हुमैरा फैमिली व्लॉग कहती है न्यू कम माई होम, और जी हाँ अगर कोई न्यू है हुमैरा के लिए तो आप उनकी तरफ चले जाएँ प्लीज़। और ब्यूटीफुल फैमिली कहती है मेरे बड़े भैया आगे लज्जत भाई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। लज्जत भाई कहते हैं नवीद भाई कैसे हैं आप। और लाइफ इंतजाम कहती है वालेकुम अस्सलाम लज्जत भाई, जजाकल्ला ब्यूटीफुल फैमिली गुड गुड हैं भैया। और हिजाब कहती हैं ओए ओए आज तो हमारा हमारा घर की रौनक लग गई लोगों, माशाल्लाह माशाल्लाह। और लज्जत के दाम पकवान कहते हैं सिस क्या बना रही हैं आप आज। मैं मैश पोटैटो आज कुछ खास नहीं बन रहा भाई। और लाइफ इंतजाम कहती है लज्जत भाई अच्छी हूँ। आलिया सिस्टर कहती हैं साथ हूँ शफीक लबे जायका। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। कामरान खान अस्सलाम वालेकुम। लाइक डन, थैंक यू सो मच। 20 लाइक ऑलरेडी कर दिए हैं आपने, जजाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच। लज्जत कदा पकवान कहते हैं वेलकम कामरान खान एंड खाने नए पुराने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, खुश आमदीद है आपका मेरी अलवी में। लज्जत कदा पकवान पारसा का इंतज़ाम ओके डिलीट कर दिया। एररलेस फैशन हुमैरा आपने मुझे बैक नहीं किया। और हिजाब कहते हैं हुमैरा कामरान भाई को ज्वाइन करो आप और नवीद भाई को और लज्जत भाई को। हाँ जी आप इन भाइयों को ज्वाइन करो तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और कामरान खान लज्जत भैया 15 मिनट बाद कॉल करूँगा ओके। शफीक लबे जायका कहते हैं नवीद भाई आप मुझे भूल गए हैं। और लज्जत भाई कहते हैं पार्सल का इंतज़ाम है क्या, पार्सल का इंतज़ाम है क्या। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम खाने भाई सो स्वीट भाई, हाउ आर यू। कमरान खान थैंक यू सो मच साथ हैं। और राहिल कहते हैं हाजी साथ साथ, थैंक यू सो मच। एंड लाइफ विद जाब फैशन सिस हाउ आर यू। आलिया सिस्टर किसी किसकी आज रात अलवी है, अभी से सो लो। एररलेस फैशन कहते हैं बिल्कुल ठीक हिजाब, आप सुनाए खाने नए पुराने। हिजाब सिस्टर जजाकल्ला खैर। शफीक लबे जायका रो रही है नवीद भाई मुझे भूल गए हैं, ओहो रोना नहीं है शफीक लबे जायका। लाइव हिजाब कहती है आलिया जागो जागो आलिया। आलिया कहती है खाने भाई अस्सलाम वालेकुम। आलिया सिस्टर कहती है जाग रही हूँ। लज्जत खाने लज्जत कदा पकवान साथ हैं, थैंक यू सो मच। और हिजाब सिस्टर कहती हैं खाने भाई आपकी 3 वीडियोस आज देखी हैं, क्या खाना बनाते हैं आप, माशाल्लाह वाह वाह। खाने नए पुराने कहते हैं आलिया बाजी कैसी हो आप। वालेकुम अस्सलाम। आलिया सिस्टर कहती हैं हिजाब सिस्टर आज मेरी अलवी का मूड नहीं है, क्यों नहीं है मूड। और आलिया कहती हैं लज्जत भाई आप तो अलवी में आते नहीं। और लाइव हिजाब कहती हैं ओए की होया आलिया बेटा खाने नए पुराने कहते हैं हिजाब सिस्टर जजाकल्ला। और हिजाब कहती हैं हा 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 हूँ आराम आया है लज्जत भाई। प्लीज अगर कोई एक दूसरे के लिए न्यू है तो ज्वाइन कर लें। और अच्छा खाने नए पुराने कहते हैं आप सब हुक्म
आप सब हमको बताएं, मैं अलवी का टाइम क्या रखूं? खाने नए पुराने पूछ रहे हैं कि आप सब बताएं कि मैं कौन सा टाइम रखूं। लज्जत कदा पकवान कहती है, आलिया सीट से मैं आता तो हूँ, अलवी में क्या हुआ आपको? और हिजाब कहती है, आए की हो रहा है लज्जत भाई। सुफियान अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू सो मच। लाइफ विद हिजाब कहती है, लज्जत भाई वही हुआ जो मुझे हुआ था। हाँ। अच्छा, आलिया सिस्टर कहती है, कुछ नहीं बस आज एलवी करने का मैं मूड नहीं है। और सुफियाना, गिनती जारी है ना हिजाब सिस्टर? ओके, हिजाब कहती है, खाने भाई मेरी और विलेज भाई की एलवी के टाइम से प्लीज प्लीज थोड़ा टाइम चेंज करके। ओके जी, हाँ जी, वो कह रही हैं, हिजाब सिस्टर कह रही हैं कि खाने खाने भाई की एलवी से और हिजाब सिस्टर की एलवी के बाद रख लें, उस टाइम में ना रखें, उसके अलावा जो टाइम भी हो आप रख लें। खाने नए पुराने करते, आलिया सिस्टर क्या हुआ आज, एलवी क्यों नहीं करनी है? हाँ जी बताओ ना आलिया। आलिया लाइव विद हिजाब करते हैं, जी जी नवीद भाई गिन रही हूँ। प्रिंसेस कहती है, नाइस डियर सिस, थैंक यू सो मच। एंड सुफियान, आज ते मैं भी एलवी करसा। ओके जी, और हिजाब सिस्टर कहती है, इटली सिस किधर गायब हैं आप? आलिया सिस्टर कहती है, आज मूड ऑफ है इस वजह से नहीं करनी एलवी। खाने ने पुराने कहती है, हिजाब सिस्टर आपसे इसलिए पूछा है। हिजाब सिस्टर कहती है, आलिया के सारे गिफ्ट धड़म ना कर हिजाब, ना कर ड्राओ नहीं। और सूफी बाबा अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और आलिया सिस्टर कहती है, वालेकुम सलाम। और लाइफ विद हिजाब कहती है, वालेकुम सलाम बाबा जी। एंड प्रिंसेस लाइफ स्टाइल कहती है, हिजाब सिस कैसी हैं? खाने ने पुराने को क्यों मूड ऑफ है? जीजू ने कुछ कहा क्या? वो हिजाब की मासी पत्तो ही काफी है कहने के लिए। क्यों? वो हिजाब की मासी पत्तो ही काफी है कहने के लिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं रहती कुछ कहने की। अच्छा जी, सूफी बाबा हिजाब सी से क्या हो रहा है थे? और शफीक लबे जायका कहते हैं, नवीद भाई आपकी अलवी किस टाइम है आज? हाँ जी नवीद भाई पूछ रही हैं शफीक लबे जायका कि आपकी अलवी कब है। और लाइफ विद हिजाब कहती हैं, अच्छी हूँ इटली सी, सो नाइस। एंड सूफी बाबा सी से जब टाइम मिला 15 मिनट के कर लूँगा रात में। ओके, कर लूँगा रात में। ओके, हिजाब कहती हैं, खाने भाई जीजू को तो कुछ नहीं कहते, मासी फतो कम काम खराब कर देती है। प्रिंसेस लाइफ स्टाइल इन इटली कहती है, हिजाब सिस आपको कल नाइट गिफ्ट दिए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हिजाब सिस्टर है, प्रिंसेस ने आपको नाइट गिफ्ट दिए थे और खाने नए पुराने साथ हैं, थैंक यू। आलिया सिस्टर कहती हैं, वाइटी ने बहुत कुछ बोल दिया है, जी जी बिल्कुल, बहुत कुछ सिखा दिया हमें। शफीक लबे जायका कहते हैं, ओके इंशाल्लाह मैं आऊँगी ज़रूर नवीद भाई। और आज़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू सो मच। आलिया सिस्टर कहती है, वालेकुम अस्सलाम, लाइव हिजाब, अच्छा, इटली सिस सो नाइस, थैंक्स अलॉट, मैं आपको 10 गिफ्ट दूंगी इंशाल्लाह। आज़ाद भाई कहते हैं, शफीक सिस आप आए तो पक्का आपको गिफ्ट, आपको 10 गिफ्ट मिलेंगे। ओके, आज़ाद भाई कहते हैं, साथ हूँ, थैंक यू सो मच। शफीक लबे जायका, ओके इंशाल्लाह। लाइफ विद हिजाब नवीद भाई, मैं भी आसान तो हड्डी एलवी दे विच। अच्छा, आलिया सिस्टर कहते हैं, साथ हो शफीक लबे जैका, आज मैं जरूर आऊंगी नवीद भाई।
और लाइफ दी जाए करें, इटली से के व्लॉग्स तो बड़े बेस्ट होते हैं जी हाँ माशाल्लाह से। वो इटली की लाइफ दिखा रही हैं तो उन्हें भी सपोर्ट करें माशाल्लाह से, वो अपने टारगेट के करीब हैं आई थिंक, और उनको ज़रूर सपोर्ट करें। और माशाल्लाह से वो बहुत सपोर्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं वो। तो जिनके पास एक्स्ट्रा आईडीज़ हैं प्लीज़ वो प्रिंसेस की भी हेल्प करें, तो वो भी आपको बैक में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। और लज्जत भाई कहते हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, वेलकम नवीद भाई। अच्छा अली असिस्ट कहते हैं नवीद भाई आज आपकी एलवी में आऊँगी, पर आज ना गिफ्ट लूँगी और ना ही दूँगी किसी को। प्रिंसेस कहती हैं थैंक यू सो मच हिजाब सिस, आपकी भी वीडियोस अच्छी हैं। और आर्या सिस्टर कहती हैं साथ हूँ एंड्रॉयड वॉरियर्स, अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू सो मच। हिजाब सिस्टर कहते हैं जजाक अल्लाह इटली सिस्टर, आप बोलती बड़ा फिट हो इटली सिस। एंड एंड्रॉयड वॉरियर्स कहती हैं हिजाब सिस 2 मिनट और है। और हिजाब सिस कहते हैं ले जी वरी हूँ वॉरियर जी आगे, एंड्रॉयड वॉरियर्स साथ हैं, थैंक यू सो मच। और जी जी नवीद भाई सो नाइस, थैंक यू सो मच। मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतनी सारी एक ही बंदे की आईडीज होती है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है। और प्रिंसेस कहती हैं सब एक दूसरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर लें, यही कहा होगा। ओके लाइव इंतजाम कहते हैं थैंक्स अलॉट नवीद भाई एंड जहांगीर खान, अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू सो मच। आलिया सिस्टर कहती हैं ऑन हूँ, थैंक यू सो मच। लाइव इंतजाम कहती हैं इटली सिस आपका इंस्टा क्या है। और शफीक लबे जैका कहते हैं प्रिंसेस सिस्टर ज्वाइन मी, और खाने नए पुराने। शफीक लबे जैका आप खुद ही प्रिंसेस को ज्वाइन कर लो, आपको काफ़ी सारा फायदा होगा उनसे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो आप चली जाओ प्रिंसेस की तरफ तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, ट्रस्ट मी। एंड खाने नए पुराने कहती हैं आलिया सिस्टर आज लग रहा है हिजाब सिस्टर वाली हिम्मत आप में दिख नहीं रही, क्या बात है। आलिया सिस्टर आज लग रहा है हिजाब सिस्टर वाली हिम्मत आप में दिख नहीं रही, क्या बात है। खाने ने पुराने कह रहे हैं हिम्मत नहीं हारनी, बस लगे रहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। प्रिंसेस लाइफस्टाइल कहती हैं इंस्टा पर भी सब एक दूसरे को फॉलो कर ले, जी हाँ। आलिया सिस्टर कहती हैं वालेकुम असलाम, जहांगीर खान साथ हैं, थैंक यू सो मच। एंड ओके ऑल फ्रेंड्स इजाज़त है, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह हाफिज़। एंड आपने इतना टाइम दिया और हिजाब के कहने पे अपना टाइम निकाल के आए, थैंक यू सो मच। एंड आर्या सिस्टर कहते हैं हिजाब सिस्टर से किसी का मुकाबला नहीं है, हाँ जी कोई मुकाबला नहीं है, हिला विद हिजाब, और मुकाबला करना भी नहीं है। हर एक इंसान की अपनी पर्सनालिटी है, अपनी आपने पहचान खुद से बनानी है, किसी की कॉपी करके नहीं करनी। तो खुद से अपना मुकाम बनाए, खुद से पैरों पे खड़े हैं, डोंट वरी इट्स ओके, मुकाबला नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर किसी से कोई भी कंपटीशन नहीं है, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो हमने इसी तरह से साथ साथ चलना है एक दूसरे के, और एक दूसरे की हेल्प करते जाना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जो कामयाब होंगे सब। और जी जी नवीद भाई अल्लाह हाफिज़, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। एंड शफीक लबे जैका कहते हैं अल्लाह हाफिज़ नवीद भाई। खाने ने पुराने कहते हैं आलिया सिस्टर की जाए हो जाए हो जाई हो। आलिया सिस्टर कहती हैं अल्लाह हाफिज नवीद भाई। एंड शफीक लबे जैका हंस रही हैं, और लाइफ विधि जाओ कहती हैं एथे रख ना काका। हाँ जी हिजाब बिल्कुल राइट असलम सिस, जी, ये वो सारे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं कि फलां आगे जा रहे हैं, फलां इस तरह बोलता है, फलां ये करें, फलां ये करें, नहीं
इस बात पे आपने ध्यान नहीं देना है, आपने अपना मुकाम खुद बनाना है, अपनी पहचान अपने स्टाइल में बनाएं। हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने खुद का स्टाइल दिया हुआ है, तो अपने स्टाइल में बोलें, अपने स्टाइल में काम करें, तो इसी तरह से कामयाब हूँ। और हिजाब कहती हैं खाने भाई, फिर एलवी का कौन सा टाइम है? फिर आलिया सिस्टर कहती हैं साथ हूँ, और प्रिंसेस लाइफस्टाइल इटली कहती हैं इंस्टा शो हो जाएगा। हाँ जी, यही वाला नाम नाम जो है वो टाइप करेंगे ना, तो वहाँ पर भी शो हो जाएगा उनको। सेम है, हिजाब कहती हैं ओए सब लोग एक जैसे हैं, बस मोहब्बत है आप लोगों की। जवाद वॉइस कहते हैं साथ हो, थैंक यू सो मच। एंड प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली कहती है अल्लाह सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। खाने नए पुराने, हिजाब सिस्टर अभी कुछ सोच नहीं पाया क्या टाइम रखूँ। आलिया सिस्टर हमसे गुस्सा है। आलिया आलिया क्या बात है, क्यों गुस्सा हो आप? है नाराज नहीं होना किसी से भी, ठीक है जी। और हिजाब कहती है जी जी इटली से, सर आपको इंस्टा पर फॉलो करूंगी। शफीक लबे जायका ओके आई विल जॉइन प्रिंसेस सिस्टर, थैंक यू सो मच शफीक लबे जायका। माशाल्लाह से उन्होंने प्रिंसेस लाइफस्टाइल को, जिन्होंने लास्ट टाइम वो मेरी एलवी में आई, जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन सबको बैक किया और प्रूफ उन्होंने मुझे भेजा था इंस्टा पर। तो इस तरह से पता है मुझे कि वो जो है ना बैक करती हैं, तो आपने एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है। ये नहीं कहना कि किसी ने बैक नहीं किया या ये वो कमेंट मिला है, क्योंकि वाइटी वाले खुद से ही ड्रॉप कर देते हैं सारा कुछ, तो किसी दूसरे को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो अपने तलुकात एक दूसरे से अच्छे रखें। और आलिया सिस्टर कहती हैं मैं काम कर रही हूँ, आपकी एलवी ऑन है, जजाक अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच आलिया। इट्स ओके अगर आप बिजी हो तो आप एलवी ऑफ भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती ये वाली बात नहीं रखना, क्योंकि मुझे खुद से वो बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं आलिया की एलवी में नहीं जा पाती, क्योंकि बहुत बिजी हो जाती हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी पूरी कोशिश होती है। तो अब यही है कि मैं आपकी इस सबकी वीडियो ज़रूर वॉच किया करूँगी, लेकिन एलवीज में पहुँचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और हिजाब सिस्टर कहती है आलिया सिस नहीं गुस्सा होती, बस आज कुछ टेंस है बहुत। खाने नए पुराने कहते हैं आलिया बाजी को गुस्सा है, आप बोले दीदी, आप बोले दीदी। लाइफ दिजाब कहती हैं इटली सिस यू आर ग्रेट माशाल्लाह। आलिया सिस्टर कहती है नहीं मैं गुस्सा नहीं होती किसी से भी, माशाल्लाह से प्रिंसेस की भी तबीयत हिजाब सिस्टर जैसी है, बहुत ही सिंसियर और किसी के कहे बगैर ही वो हेल्प करना शुरू कर देती है माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है उनकी भी। तो खाने नए पुराने कहती हैं आलिया सिस्टर बोलो आप, मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरी सिस्टर खुश हो जाए। और आला किचन अस्सलाम वालेकुम लाइक डन के साथ कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम आला आंटी, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में। और आलिया सिस्टर कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, हिजाब कहती हैं वालेकुम अस्सलाम आला सिस हाउ आर यू। आलिया सिस्टर कहती हैं आला किचन कैसी हैं आप? हिजाब सिस्टर कहती हैं अरे आलिया तो अपनी जान है। आलिया सिस्टर कहती हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम। आला किचन कहती हैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र हम फिट फाट ठीक ठाक हैं। तो आला आंटी आप बताएं, आपने चाय शाय पी ली है? जवाद भाई साथ हूँ, थैंक यू सो मच। जवाद भाई आपकी वीडियो मैंने वॉच की थी, लेकिन प्रीमियर में नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर मॉर्निंग टाइम था, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है, तो बाद में जो है फिर मैंने आपकी वॉच की थी वीडियो। और आलिया सिस्टर कहती है अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक। प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली कहती हैं ज्वाइन के बाद सब कोशिश किया करें एटलीस्ट 2 न्यू वीडियोस पर नोटिफिकेशन से वीडियो फुल वॉच कर ले या करें एक दूसरे की, फिर ड्रॉप नहीं होंगे सब,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है जी। माशाल्लाह से जो इटली सिस्टर हैं इनकी एडवाइस काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ कोशिश कर लिया करें, थोड़ा जो न्यू एडवाइस मिलती है हो सकता है हमारे फ़ायदे के लिए ही बेहतर हो। वो कह रही हैं कि अगर आपने किसी को ज्वाइन किया है तो उनकी कम अज़ कम दो वीडियोज़ जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है उसी वक्त देख लिया करें, तो इस तरह से फिर ड्रॉप नहीं होते। जुआद वॉइस कहते हैं जी जी थैंक यू सो मच। एंड खाने ने पुराने कहते हैं क्या बना रही हैं सिस्टर आप आज? आलू बना रही हूँ मैं, आलू का दिन है, जब कुछ भी नहीं मिले बनाने के लिए तो आलू बना लो। आला की जी कहते हैं जी हाँ अभी चाय पी है। आप सुनाए असलम बेटा क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र है फिट फाट ठीक ठाक हूँ, बस खाने वगैरह बन रहे हैं। बेटी के लिए मैंने मैश पोटैटो बनाया है, उसको मैं अभी दूंगी, तो वो उसका टाइम हो गया है, 12:30 हो चुके हैं ना, वो तब तक खाएगी, तो मैं जो है ना साथ में ये कुकिंग कर लूँगी और ये भी। और खाने ने पुराने में पूरी कोशिश करता हूँ कि सब की वीडियो पर WT करूं। और आला किचन कहते हैं हिजाब बेटा आज तलहा भाई भी हाँ हिजाब खींच के ले आई ने सब भाइयों के आज। और शफीक लबे जैका कहती है प्रिंसेस सिस्टर डन थैंक यू सो मच, एंड आलिया सिस्टर साथ हैं थैंक यू। थैंक यू सो मच आलिया, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो आलिया इंशाल्लाह WT में मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगी, डोंट वरी फिक्र नहीं करना। जवाब वॉइस साथ हैं थैंक यू सो मच आलिया सिस्टर, वॉइस नहीं आपकी अपने क्या बोला है। अच्छा सॉरी, मैंने कहा कि आपको WT में पूरी हेल्प करूंगी इंशाल्लाह, डोंट वरी फिक्र नहीं करना। और क्या आला किचन कहती हैं हिजाब बेटा आज तलहा भाई वॉच टाइम अप। अच्छा WT पूछ रही थी तो एलवी ही ख़त्म हो गई थी, मैं क्या बताती। अच्छा आंटी अभी हिजाब पता नहीं साथ है कि नहीं, अगर साथ है तो फिर वो आपको बताती है, मुझे नहीं समझ आई कि किस बारे में बात हो रही है। प्रिंसेस कहती हैं डियर सिस यू आर सो हार्ड वर्किंग है, प्लीज़ सब को 48 आवर्स के बाद रिटर्न करूँगी। हाँ जी सभी मेहनत कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र से काम लेना है, तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी गारंटी है, प्रिंसेस की जो है ना वो गारंटी है वो। और हिजाब सिस्टर तो माशाल्लाह से उनका तो मैं कह नहीं सकती, वो तो खुद से ही वो ज्वाइन कर लेती है। और प्रिंसेस जो है ना वो भी बहुत ही स्वीट सिस्टर है, सबकी हेल्प करती हैं, तो थोड़ा लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, उनका बेटा भी है माशाल्लाह से, तो जाहिर है वो काम भी होते हैं, तो जब भी उनको टाइम मिलता है ना तो वो याद रखती है, वो सबको बैक करती है। हिजाब काल थीसिस, अच्छा कोई बात नहीं हिजाब सिस्टर आपसे वो बात कर रही थी, आला आंटी कुछ पूछ रही थी। आला किचन हिजाब चली गई शायद, ओके नहीं हिजाब वापस आ गई है, तो प्रिंसेस कहती हैं 48 आवर्स का इंतज़ार करना है सबने। हाँ जी 48 का इंतज़ार करें। और जवाब वाइस आलिया सिस्टर WT डन गिफ्ट थैंक यू सो मच, एंड आलिया सिस्टर हिजाब सिस मैंने तो कॉल नहीं की। अरे हिजाब सिस्टर कहती है नहीं नहीं आला सिस कॉल थी और हिजाब सिस साथ साथ हूँ, थैंक यू सो मच, अपने काम करो जारी रखो, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं हिजाब सिस्टर इट्स ओके, मेरी बिल्कुल फिक्र ना करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम आराम से, मैंने कहा था ना कि मैं कछुए की चाल चल रही हूँ, इट्स ओके मुझे कोई मसला नहीं है, थोड़ा लेट हो जाएगा कि बार बार मैं कह रही हूँ कि मेरा यही बिलीव है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की किस्मत का और हर चीज़ का एक वक्त लिखा होता है,
बेशक कामयाबी और जो भी हो, तो शायद मेरा भी टाइम नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम आराम से चल रही हूँ कछुए की चाल, तो इंशाल्लाह मंजिल तक पहुँच जाऊँगी, डोंट वरी। और हिजाब कहती है हाँ हाँ आलिया सीसा मेरे साहब की काल थी। आलिया सीसा कहती है हिजाब सीसा अलवी में कौन आएगा मेरी, आज सोच रही हूँ ना करूँ। और आलिया सीसा कहती है हाँ हाँ हाँ। और प्रिंसेस कहती है शफीक लबे जैका थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आलिया सीसा कहती है कछुआ ही जीता है हाँ ना, कछुआ जीता था ना आखिर में देखा। हिजाब कहती है क्यों आलिया सीसा ऐसा मत बोलो, सब आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज मैं वो कासिम अली शाह के, अगर आप में से कौन कौन कासिम अली शाह के जो लेक्चर सुनता है, बड़ी मोटिवेशनल बातें होती हैं उनकी और बड़ी काम की बातें होती हैं। अगर कोई नहीं सुनता तो कासिम अली शाह के ज़रूर सुना करें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आज मैंने उनकी एक छोटा सा क्लिप देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तितली निकलती है ना तो वो जो जिसमें वो रहती है ना, क्या कहते हैं उसको, मोती सा होता है जिसमें वो होती है, कीड़ा होता है और उसके बाद बाहर निकलती है ना, तो उसका सुराख जितना तंग होता है ना उतनी ही उस तितली को ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, और जितनी वो ज़्यादा जान लगा के बाहर आती है उतने ही उसके पर स्ट्रांग होते हैं और उतने ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इसका यही है कि मतलब आपने उसने तितली ने जितना जोर लगाया, जितनी उसने हार्डवर्क किया ना, उतना उसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ। इसी तरह से हमारी खुद की जो लाइफ है ना, उसमें हमने जितना ज़्यादा हार्डवर्क करना है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, उतना आप जो है कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यह है कि आपने सब्र से काम लेना है, जल्दी नहीं बचानी। वैसे भी कहते हैं कि जल्दी जो है शैतान का काम होता है, तो हमने जो है आराम से करना है, सब्र से, सब्र और तहम्मल से इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ये यकीनी बात है। लेकिन किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, मेहनत करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। आज का वो मैंने टाइटल भी इसी तरह से रखा था कि अपने आप पर एतमाद रखें, और जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और प्रिंसेस कहती हैं सबका टाइम आएगा, सब कामयाब होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। लाइफ विद हिजाब कहते हैं खाने बाई ग्रेट। आलिया सिस्टर कहते हैं हिजाब सिस्टर शुक्रिया खाने ने पुराने इंशाल्लाह 110 रेसिपी। सलाम टू ऑल, वालेकुम सलाम, खुश आमदीद है आपका मेरी अलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है खाने ने पुराने, जजाकल्ला हिजाब सिस्टर। आलिया सिस्टर कहती हैं बेशक आलिया सिस्टर, वालेकुम सलाम आला किचन प्रिंसेस लाइफ स्टाइल इन इटली, आप कैसी हैं खाने ने पुराने, वालेकुम सलाम प्रिंसेस लाइफ स्टाइल इन इटली। अगर आपने आला आंटी को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इनको ज्वाइन कर कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी और सपोर्टिव हैं, और मैं इनको आंटी बोलती हूँ, मैं इनको समझती हूँ आंटी, माशाल्लाह से मैं इनको नहीं जानती ना मैंने इनको देखा है, लेकिन माशाल्लाह से वो जिस एज में हैं और इसके बावजूद इतनी मोटिवेशन है हम सब के लिए, वो इतनी मेहनत कर रही हैं, उनको अल्लाह ताला कामयाब करे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। तो अगर उनके लिए कोई व्यू है तो प्लीज़ उनको ज्वाइन करें। प्रिंसेस अगर आप आला आंटी की कोई हेल्प कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर इनकी करना। और खाने ने पुराने, वालेकुम अस्सलाम लाइव विद हिजाब कहते हैं आलिया बेटा आज आप कर लो मेरे टाइम पर, मैं भी आऊँगी और सब भी आएंगे, मैं कल कर लूँगी। लज्जत के दा पकवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आला किचन 110 रेसिपी कैसी हैं, और 110 खाने से आ जाएँ अभी, बैग मिल जाएगा WT के साथ। और आलिया सिस्टर कहती है नहीं प्यारी आंटी आप करिए, आलिया सिस्टर आज आप बड़ी मायूसी वाले बातें कर रही हो बेटा, क्यों क्या मसला है बताओ तो सही, क्या हुआ है। मैंने सोचा आपकी मामा है तो किधर है मामा है, क्यों आज बड़ी वो उदास है, क्या मसला है। कोई मसला नहीं है, सबके साथ हो रहा है ना, इस तरह से बंदे की हिम्मत बनी रहती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाकी लोग भी हैं, डोंट वरी, फिक्र नहीं करनी आपने। व्हाट डिड यू डू, ओके तो भी नहीं सकते।
आला किचन कहती हैं वालेकुम अस्सलाम लज़त भाई, आप कैसे हैं? 110 रेसिपीज बहुत सलाम लज़त भाई के। लज़त भाई कहते मैं बिजी हूँ अभी, इट्स ओके। और 110 रेसिपी कहते हैं करम है और खाने नए पुराने अमीन। एंड प्रिंसेस लाइफस्टाइल कहती हैं आला आंटी को 10 गिफ्ट्स डन करूंगी, थैंक यू सो मच प्रिंसेस, थैंक यू। एंड आला किचन कहते हैं हिजाब बेटा आज लाइव करेंगी आप 110 रेसिपीज, प्रिंसेस सिस आ जाए 110 रेसिपी। आप अगर प्रिंसेस को ज्वाइन करेंगी ना तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प हो सकती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज है तो आप भी प्लीज़ प्रिंसेस की हेल्प करें तो आपको वो काफ़ी हेल्प कर सकती है। और माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव है, उनको काफ़ी रूल्स पता है तो ड्रॉप नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो आप उनको मज़ीद आईडी से भी ज्वाइन करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्रिंसेस को ज्वाइन करो प्लीज़। और जी जी प्रिंसेस आ जाए। अच्छा जी प्रिंसेस आप 110 रेसिपी आप जाओगी या प्रिंसेस आपकी तरफ जाएंगी तो यहाँ पर डिसाइड कर लो कौन किसकी तरफ जा रहा है। खाने नए पुराने गिरते हैं, शेर सवार हैं, हाँ गिरते हैं शेर सवार हैं, मैदान है जंग में वो टिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आलिया सिस्टर परेशान ना हो, आलिया सिस्टर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज आलिया सिस्टर, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, टाइम दिया। 110 रेसिपी आप आ जाए प्लीज, आई विल रिटर्न यू। ओके जी प्रिंसेस आपको कह रही है 110 रेसिपी आप उनकी तरफ चली जाए तो वो कल आपको रिटर्न कर देगी, तो आपने वेट करना है। वो कह रही है 48 आवर्स के बाद वो आपको बैक करेंगी, तो कमेंट जरूर छोड़ना। और आला किचन कहते हैं थैंक यू सो मच प्रिंसेस बेटा, एक एक करके देना वरना हजम नहीं होंगे। अच्छा 110 रेसिपी ओके, हाँ जी इंशाल्लाह वो आपको ऐसे ही करेंगी, डोंट वरी आला आंटी। प्रिंसेस मैं सेकंड से बैक करूंगी ताकि ड्रॉप ना हो आपका भी और मेरा भी। ओके वेट आई गिव यू मैश पोटैटो, यू कैन हैव मैश पोटैटो, यू वांट ईट मैश पोटैटो, मैश पोटैटो, यू वांट ईट मैश पोटैटो, द बीट्स मैड फॉर बीट्स, ओह नो वेल बीट्स द बीट्स।
ओके प्रिंसेस लाइफस्टाइल इटली कहती हैं अल आंटी 5 एक दिन देन 2 डेज के बाद अगेन 5 गिफ्ट्स इस तरह करूंगी। ओके खाने नेपरा ने कहती हैं कि कुछ यमी बन रहा है सिस्टर, क्या कुछ खास नहीं है आज, इतना यमी तो है नहीं, आलू बन रहे हैं मसाले वाले। और इस बार सिस्टर कहती है अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद है आपका मेरी अलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया है खाने ने पुराने, वालेकुम अस्सलाम। इसमत कहती है प्रिंसेस लाइफस्टाइल कैसी है सिस्टर आप, एंड वन टाइम रेसिपी ओके प्रिंसेसिस। और इसमत कहती हैं कैसी हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक फिटफाट है। वन टाइम रेसिपी कहती हैं मैं आती हूँ, इसमत कहती है मोबाइल की बैटरी चली गई थी इसलिए चली गई थी सिस्टर, हम भी इट्स ओके कोई मसला नहीं है। आला किचन कहती हैं ओके प्रिंसेस बेटा, अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली कहती हैं अल्लाह अल्लाह आंटी आप मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकती हैं क्या, देन इजी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप सब प्रिंसेस लाइफस्टाइल को उनको इंस्टा पर ज्वाइन कर लें तो वो प्रूफ भी आपको साथ भेज देती हैं। आला किचन कहती हैं इसमत कैसी हैं आप, और इस्मत कहती हैं आला आंटी अस्सलाम वालेकुम, इस्मत ने कुछ डिलीट कर दिया है। इस्मत कहती हैं आला आंटी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिंसेस कहती हैं इस्मत सिस ठीक हूँ, आप कैसी हैं। इस्मत कहती हैं प्रिंसेस लाइफस्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह खाने ने पुराने ओके अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया, जज़ाकल्लाह खैर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़। मैं भी जब तक ये कुकिंग कर रही हूँ तब तक साथ हूँ, फिर मैं भी अलवी ऑफ कर दूँगी तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, काम करें अपने अपने। और होम्स फूड लाइक डन गुड, थैंक यू सो मच, और खुश आमदीद है आपका मेरी अलवी में, होम फूड्स आपने ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर। अभी मैंने हलीमा को खाना दे दिया है, वो खाएगी ना तब तक वो बैठेगी, तब तक मेरी आंटी भी बन जाएगी। अच्छा जी, आप ही की रेसिपी, अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर जॉइन मी, ओके वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच, आप ही की रेसिपी आपने ज्वाइन किया है, खुशाबदीद है आपका मेरी अलवी में। और आप ही की रेसिपी कह रही है ज्वाइन मी, ओके वन टाइम रेसिपी प्रिंसेस सिस आपको डन कर दिया है WT के साथ, वन टाइम बोलिएगा मत, प्लीज बोलिएगा मत, नहीं नहीं वो नहीं भूलेंगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं गारंटी दे रही हूँ वो नहीं भूलेंगी। तो वो कह रही है ना कि आप उनको वन टाइम रेसिपी, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं तो प्लीज़ आप उनको प्रिंसेस को इंस्टा पे फॉलो कर लें तो वो आपको वहाँ पर प्रूफ भी दे देंगी। इसमत कह रही है वन टाइम रेसिपी कैसी है, और वन टाइम रेसिपी कहती है होम फूड प्लीज़ कम, हाँ जी होम फूड अगर आप साथ हैं, वन टाइम रेसिपी आपको बुला रही हैं, प्लीज़ वन टाइम आप खुद से चले जाया करो, खुद से एक दूसरे को ज्वाइन कर लो, और प्लीज़ या मजीज़ ना भेजना प्लीज़, अगर आपने सिर्फ
ये बताना है कि साथ हैं तो सिर्फ लिख दें साथ ऑन या कुछ इस तरह से इमोजीज ना भेजें प्लीज। और इस्मत कहती हैं आप सब हमारी तरफ भी तशरीफ लाया करें, खुशी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस्मत डियर सिस्टर वन टन रेसिपी, मैं ठीक हूँ। इस्मत सिस आप कैसी हैं? प्रिंसेस कहती हैं आज मैंने लैपटॉप पर BLV ज्वाइन करनी थी सिस आपकी 5 से, बट बेटा फीडर मांग रहा था तो नहीं कर सकी। कल इंशाल्लाह आप किस टाइम LV स्टार्ट करेंगी सिस? प्रिंसेस सिस्टर मुझे कह रही हो है, मुझे कह रही हो मेरा यही टाइम होता है। यहाँ UK का टाइम 11 बजे का, तो पाकिस्तान का 3 बजे का, और इंडिया का 3:30 बजे आई थिंक होता है। तो मेरा यही टाइम होता है, इसके अलावा बहुत बिजी होता है तो यही टाइम होगा। इट्स ओके प्रिंसेस, डोंट वरी, आप मेरे काफ़ी हेल्प कर चुके हो, काफ़ी हेल्प कर रहे हो ऑलरेडी, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। थैंक यू सो मच। मेरी तो वो मैं खुशी से आंसू निकल आते हैं। माशाल्लाह से इतनी अच्छी मेरी फैमिली बन गई है, यहाँ पर सब आते हो, गपशप लगाते हो तो मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता है। मेरे साथ थोड़े बहुत काम भी हो जाते हैं, मेरा वेस्ट कोई नहीं टाइम होता। इट्स ओके एक तो खामोश रहे ना अलवी, तो फिर वो थोड़ा वो हो जाता है मसला। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि तो एक दो लोग भी साथ रहे ना तो मुझे कोई मसला नहीं होता। इट्स ओके। अभी थोड़ी देर पहले पता चला था, कहते हैं कि ये स्पैम में ना चला जाए अगर आपके कम लोग ज्वाइन करें, तो मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना अच्छा जा रहा है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। जितनी आप आसानी से कर सको इट्स ओके। इस्मत कहती है वन टाइम रेसिपी और अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आला किचन कहती है असलम बेटा मैं आपको इंस्टा पर ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ जी आंटी जी, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो आप कर सकती हैं। मेरा ओपन है, मेरा प्राइवेट नहीं है इंस्टाग्राम। वहां पर मैं काफी स्टोरीज भी रील्स भी डालती रहती हूँ, काफी मैं एक्टिव रहती हूँ इंस्टा पे। आंटी आपको वहां पर मेरी रेगुलर रूटीन पता चलती रहती है, मेरे घर के काम, किस तरह मेरी लाइफ गुजरती है, दिन गुजरता है, सारा मैं शेयर करती हूँ उस पर भी। जितने सोशल मीडिया मैं यूज करती हूँ ना, काफी मैं हार्डवर्क कर रही हूँ उन पर सब पे, तो वहां पर भी काफी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो पूछने वाली कोई बात नहीं है, मेरा सेम नेम है, सेम वो लोगो है, पिक्चर जो है सारा इसी चैनल के नाम से है, तो आप कर सकती हैं, आप करेंगी तो मुझे खुशी होगी। अभी वहां पर मेरे 300 हुए हैं फॉलोवर्स, वहां पर मैंने भी अभी थैंक यू की वीडियो बनानी है इंशाल्लाह, तो मैसेज वहां पे भी शेयर करना है। तो ये आप सबका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। और प्रिंसेस कहती है जी सिस आपको ही। ओके ओके जी, मेरा यही टाइम है प्रिंसेस, सेम टाइम पर होगी। इट्स ओके। वन टाइम रेसिपी इसमत सिस कितनी आइडीज है? वन टाइम रेसिपी पूछ रही है इसमत सिस कितनी आईडी है? और प्रिंसेस कहती है डियर सिस्टर इतनी डिवाइसेस हैं तो साथ कमेंट भी करती रहूंगी, आईडीज भी हैं तो अच्छा है ना सिस। जजाक अल्लाह खैर, जजाक अल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 ज़्यादा कामयाबी दे और आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही स्वीट और बहुत ही मासूम सी तबीयत है आपकी इटली सिस्टर। आला किचन कहती है ओके असलम बेटा मैं आपको ज्वाइन करूँगी। ओके ओके ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन करें ज़रूर वहाँ पर। आजकल मैं एलवीज कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा वो कम एक्टिव रहती हूँ वहाँ पर, बट मोस्टली मैं वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मेरी डेली रूटीन जो होती है मैं वो सारा वो स्टोरीज में शेयर करती रहती हूँ। अभी आगे मजे मजे के व्लॉग्स भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। मेरा अलवी के पास इरादा है कि मेरा व्लॉग एडिटिंग वाला कंप्लीट है, थोड़ा सा उसका काम है, मैं चेक करूंगी, जस्ट रीचेक, तो फिर मैं वो शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, वन टाइम रेसिपी कहती है होस्टेस आप मुझे ज्वाइन करें प्लीज। अच्छा
मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया हुआ, थैंक यू आपने रिमाइंड करवा दिया है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ठीक है, एक और सिस्टर ने ज्वाइन किया था और मैं अभी आपका नाम भी लिख देती हूँ। 110 रेसिपी मैं एलवी के बाद आपको ज्वाइन कर लूंगी। 110 रेसिपी, रेसिपीज। यहाँ पर मैंने लिख लिया है आपका नेम भी, तो मैं फिर आपको एलवी के बाद ज्वाइन कर लूंगी। डोंट वरी, आप फिक्र नहीं करना, मेरे पास आईडी ज्यादा नहीं है, एक ही आईडी है, तो उससे मैं आपको डन कर दूंगी। डोंट वरी, फुल WT के साथ डन करूंगी, आपने फिक्र नहीं करनी। और 110 रेसिपी कहती ओके होस्ट जी, मैं आपको एक्स्ट्रा भी दूंगी। डोंट वरी, इट्स ओके सिस्टर, कोई मसला नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा आईडीज नहीं है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे एक्स्ट्रा से ज्वाइन करें। इट्स ओके, मैं आपको 110 रेसिपी, आपने अभी मुझे ज्वाइन किया है, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है ना, तो मैं फिर जो है आपको 48 आवर्स, प्रिंसेस सिस्टर अभी कह रही है ना, वो 48 आवर्स के बाद करेंगी, तो मैं भी 48 आवर्स के बाद आपको ज्वाइन करूंगी। और साथ में जो है ना, मैं वीडियो, आप मेरी वीडियो पर जो कमेंट छोड़ोगे ना, मैं उसका रिप्लाई भी उसी वक्त करती हूँ जब मैं बैक कर देती हूँ। तो फिर जो है मैं इंशाल्लाह आपको जब बैक करूँगी तब मैं कमेंट का भी रिप्लाई करूँगी। अच्छा जी, प्रिंसेस लाइफस्टाइल यूटी लिखाती है, आमीन सिस, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है सब मैनेज करना, जल्दी से आपको का टारगेट कंप्लीट हो, मेरी दुआ है डियर सिस्टर। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा पता है, मेरे 2 साल से गुजर चुके हैं, ये मेरा 3rd ईयर जा रहा है, तो शुरू में मैं तो वही जो यूट्यूब पर बताते हैं जो रूल्स फॉलो करने होते हैं मैं वैसे ही करती रही, मैंने ऐसे ना एलवी की ना कुछ ऐसी वीडियोस डालती रही हूँ कि खुद से जो कोई ज्वाइन कर ले, तो मैंने कभी किसी को कहा भी नहीं। मेरे लिए तो वो, मैं उस तरह की बंदी हूँ ना, मुझे ये भी कहना कि जब वीडियो में एंड पर बोलते हैं ना, अब मैं वो रटा रटा जुमला बोल देती हूँ कि मैं जैसे वो स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं ना वीडियोज़ में कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और डन करें ये वो, तो मुझे वो भी बड़ा फील होता था, मुझे किसी को कहना अच्छा नहीं लगता, कोई खुद से ज्वाइन कर ले ठीक है। तो फिर जो है ना, इसलिए फिर मैं, मुझे टाइम ज़्यादा, क्योंकि शुरू में एंजॉय करती रही हूँ, मुझे इतना मसला नहीं था, लेकिन अब मैंने सोचा था, अब सभी पूछते हैं फैमिली में, तकरीबन सबको पता है कि मेरा चैनल है, तो अब पूछते हैं ना जब, तो फिर मुझे लगता है कि चलो किसी मुकाम पर पहुँच जाए तो अच्छा है। माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं मेरे, स्कूल जाने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, तो वो आते हैं, मस्जिद का टाइम होता है उनके साथ, मेरी खुद की जॉब है, मैं इधर उधर, मेरे काफ़ी काम होते हैं जिसकी वजह से मैं पूरा टाइम नहीं दे पाती। और एलवीज में भी अब काफ़ी मेरी सिस्टर्स माशाल्लाह से आती हैं, मेरी एलवी में सपोर्ट करती हैं, और फिर उनकी शिकायत भी होती है कि आप एलवीज में ज्वाइन नहीं करती, आप हमें सपोर्ट नहीं करती बैक, तो मैं जो है ना वो शर्मिंदा ही हो जाती हूँ, फिर क्या करूँ मैं। टाइमिंग का मसला है कि पाकिस्तान का यूके का 4 आवर्स का गैप है टाइम का, तो मुझे जो है ना फिर या फिर रात को जागना पड़ता है, और रात को जागूँ सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो मैं नहीं वो मैनेज कर पाती सारी चीज़ें। फिर मैंने यही सोचा था कि चलो मैं जिन सिस्टर की वीडियोस जो है ना अपलोड होती हैं वो मैं साथ साथ जो है रात को जब भी मैं बच्चे सो जाते ना बैठती हूँ, तो मैं अब अपनी पसंद का और कोई प्रोग्राम मैं अब नहीं वॉच करती, मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ साथ, वो साथ चलती रहती है, और इस तरह से बाकी काम भी अब जैसे एलवी कर रही हूँ मैं, तो साथ में घर के काम निपटा रही होती हूँ, तो इसी तरह मेरा सिस्टम चलता है। आला किचन कहती है मेरे भी 2 साल हो गए हैं। अच्छा जी, अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ, राबीनाज किचन, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, जज़ाकअल्लाह खैर। एंड कुकिंग विद सना कमरान ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद है आपका मेरी एलवी में, थैंक यू सो मच सना आपने ज्वाइन किया है। और आला किचन कहती है मुझे भी ये सब नहीं पता था, मैं भी वीडियो डालती रही, बस पहले मुझे पता चला, 2 मंथ हुए हैं मुझे ये सब करते हुए। अच्छा आला किचन कहती है कि वालेकुम अस्सलाम आला किचन, सना का अमरान बेटा आप कैसी हैं। हाँ ना, तो फिर मैं, मेरे साथ भी ऐसे था कि मैं शुरू में इतनी मैंने गौर भी नहीं की कि चलो थोड़ा एफर्ट डालूँ, किसी को कहूँ कि मुझे ज्वाइन करे या कोई हेल्प करे,
अब भी मैं एलवी में, मेरी में कोई न्यू ज्वाइन करता है तो मैं नहीं कह पाती, इवन मैं ये भी नहीं कह पाती कि मेरी एलवी को लाइक कर दे। तो माशाल्लाह से सारी इतनी सपोर्टिव हैं कि सब खुद से कर देती है। अगर मैं किसी को कह दूँ ना, मुझे अंदर फील होता है कि क्यों मैंने कहा। आई डोंट नो, मेरी पर्सनैलिटी कुछ इसी तरह से है तो मैं नहीं वो कर पाती। और इस्मत कहती है हाँ 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 इस्मत है, हंस रही है आप। प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली कहती है बहुत मुश्किल काम है डियर, आई थिंक सबको विदाउट एनी रिटर्न एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इसका अजर अल्लाह देता है। 1K सब एंड 4K WT का टारगेट कंप्लीट करने के बाद दूसरों की हेल्प करना चाहिए। जी जी माशाल्लाह से करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो ये हम सब जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हमें हम पर ये चीज़ें बीत चुकी हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रगल होती है, कितना हार्ड वर्क है। मुझे शुरू में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क डालना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वाकई सही बात है, तो इंशाल्लाह मेरा भी यही इरादा है कि हम ज़रूर ज़रूर जो है आगे भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे जो हेल्प करते हैं, देखे कि कोई पता नहीं है अब यहाँ पर मेरी एलवी में जितने आने वाले हैं, हो सकता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में इनमें से कोई बहुत आगे चला जाएगा। तो जब लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं ना, तो अच्छे लोगों को लोग हमेशा याद रखते हैं। तो अब ये एलवी वगैरह का आइडिया जो है मुझे इंडियन माम लाइफ इन सऊदी अरेबिया से, उन्होंने जो है ना काफ़ी गाइड किया था। फर्स्ट वो है जिनकी एलवी मैंने ज्वाइन की थी, उससे पहले मैं किसी की एलवी में नहीं गई ना, मैं वो इतना कंफर्टेबल रहती हूँ किसी की एलवी में भी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह से वो बातें होना शुरू हो जाती हैं, लोग आ जाते हैं और कमेंट्स बुरे बुरे करना शुरू कर देते हैं। उनकी एलवी में माशाल्लाह से बहुत अच्छे साफ़ सुथरी होती थी और मोस्टली सिस्टर्स होती थी, तो अच्छी गपशप होती थी। तो ये सारे माशाल्लाह सा इस्मत आला आंटी हिजाब सिस्टर, ये सारी जो है मुझे वहीं से मिली थी, उन्हीं उन्हीं की एलवी से हमारी दोस्ती हुई और अभी तक हम साथ चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो अब जो है मैंने भी सोचा है कि चलो ठीक है, साथ साथ मैं जहाँ तक कर सकूँगी किसी की हेल्प, किसी को गाइड करना होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता होती है तो मैं इंस्टा पर में भेज देती हूँ, बता देती हूँ, अगर कोई पूछे कोई क्वेश्चन करे तो जितना मुझे पता होता है वो मैं कर देती हूँ। इस्मत कहती है कि सच में मांगना हमें भी अच्छा नहीं लगता था पहले। हाँ ना बिल्कुल, हम जो है ना वो ऐसी वो कभी कहा ही नहीं किसी को, तो मुश्किल लगता है थोड़ा। तो अब तो लगता है ना कि ये तो आदत सी हो गई है ना, मांग वो हजाम सृष्टि करते हैं ना, मंगता टीम वो हमारी मंगता टीम बन गई है, तो फिर मांग मांग के तो बेशरम हो गया। अब तो हम कहते हैं सबको कि प्लीज मेरे घर आए। हालांकि तुम कहती है मैं तो इस उम्र में भी कोशिश कर रही हूँ किसी तरह कामयाब हो जाऊँ, बाकी अल्लाह के ऊपर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आंटी आप फिक्र नहीं करें, आप ज़रूर होंगे, आप हमारी मोटिवेशन है, हमारी ताकत है। तो आपको देख देख के तो हम भी चल रहे हैं, कभी कभी डीमोटिवेट हम भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान है, कभी कभी जब इतनी मेहनत के बाद कुछ सिला नहीं मिलता तो थोड़ा बंदा डाउन हो जाता है। इट्स ओके, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और जज्बात सारे चलते रहते हैं साथ। और इटली कहती है अल्लाह सबको कामयाब करे, और इटली प्रिंसेस लाइफस्टाइल कहती है कि सब सिस्टर्स हैं तो एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, आला किचन कहती है हम दूसरों की हेल्प करेंगे, अल्लाह हमारी करेगा, मेरा यकीन है यही अल्लाह पर। जी जी बिल्कुल ज़रूर। इस्मत कहती है हाँ हाँ आला किचन, इंडियन माम बुशरा बहुत नाइस है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी और स्वीट सिस्टर है, बहुत ही सिंसियरली वो हेल्प करती है, इससे पहले मैंने किसी को नहीं देखा। जितने भी बड़े हैं ना, मैंने तो खैर किसी से शाउट आउट नहीं मांगा, लेकिन जिन्होंने मांगा है सबको ने यही कहा कि कोई पैसे मांग रहा है तो कोई क्या कुछ ब्लैकमेल कर रहे हैं, बाद में अगर कोई सपोर्ट कर देता है तो बाद में मसाइल हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी, लेकिन ये सारी मोटिवेशन और उनकी तबीयत देख के तो हम भी जो है ना
यहां पर तक आ गए हैं। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि छोड़ो रहने दो बच्चों के साथ, मेरा घर मेरे बच्चे सारे इग्नोर हो रहे हैं, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही, इसमें मैं वही पंगा ले लिया है तो छोड़ देती हूँ। फिर सोचती हूँ अब 700 हो गए हैं, अब आधे रास्ते में पहुँच, आधे से निकल चुकी हूँ इंशाल्लाह, तो देखते हैं कि हो सकता है कि कामयाब हो जाऊँ, थोड़ी मंजिल आसान हो जाए आगे चल के। इसमत कहती है इंशाल्लाह आंटी कामयाब जरूर होंगी। हाँ, और इसमत कहती है इंडियन माम जब से हम लोगों के जिंदगी में आई है जिंदगी ही बदल गई है, मेहनत मेहनत करना सीखा। जी बिल्कुल, इसमत कहती है इंडियन माम की लाइफ में सिस्टर मिली है, आंटी मिली है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे लोग मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जितने भी मिले हैं सब ही अच्छे मिले हैं, कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि बंदा कहे कि बस। कभी कभार छोटी मोटी तो चलती है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा बुरा एक्सपीरियंस नहीं अभी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी था हमारा कि काफ़ी सारी यहाँ पर जो सिस्टर जिन्होंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ था, जिनके साथ कुछ हुआ है या किसी ने कुछ ब्लैकमेल किया या कुछ, सारा शेयर करती रही है साथ साथ, जिससे हम लोग जो नए नए आने वाले होते हैं ना, वो काफ़ी सीखते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता सारी चीज़ें ना, आस्ता आस्ता साथ साथ सीख रहे होते हैं, समझ नहीं होती चीज़ों की। बेशक जितनी भी रिसर्च कर ली जाए, जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसकी अलग ही बात होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो सब के साथ ही हो, तो लेकिन यह है कि इसी तरह से हम एक दूसरे से सीख रहे हैं कुछ चीज़ें नई नई, तो चल रहे हैं साथ साथ इंशाल्लाह से। तो ये बहुत अच्छा सा ग्रुप बन गया है, जिनके नाम दे के ना खुशी होती है। जब मेरी अरबी में मेरे पुराने दोस्तों में से निकल के आते हैं ना, तो मुझे मैं एकदम से एक्साइटेड हो जाती हूँ, फटाफट में बड़ा जज्बाती होकर भी मैं वेलकम करती हूँ। हालांकि कहते हैं मैं भी कभी सोचती हूँ सब छोड़ दूँ, पर आप इतनी अच्छी फ्रेंड है, अब अच्छी फ्रेंड है मेरे में, आप लोगों को नहीं छोड़ सकती। यू आर सो स्वीट, माशाल्लाह यू आर सो स्वीट आंटी, माशाल्लाह से आप इतना साथ देती हैं, साथ साथ देती। मेरा भी यही है ना कि यहाँ अब सुबह सारे चले जाते हैं अपने काम पे, बच्चे स्कूल में तो छोटी, और मैं होती है पहले होता था कि मैं इसको लेके बाहर चली जाती थी कभी कभी, अब माशाल्लाह से मेरी यहाँ पर अच्छी खासी, अब मैं कुकिंग कर रही हूँ या कुछ गपशप करती रहती हूँ तो अच्छा टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, तो इसलिए एलवी भी मेरी चल जाती है साथ, और शायद इसी तरह मेरा डब्ल्यूटी भी कंप्लीट हो जाए, वो मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है अभी, मेरा वो मुश्किल है टारगेट अब मेरा था कि शायद मेरे गिफ्ट्स शायद पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके, अभी 7-8 माह के हैं, लेकिन डब्ल्यूटी का बहुत मसला होगा, तो आप मुझे उसकी टेंशन हो रही है, टेंशन खैर इतनी नहीं है इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला। अच्छा, 2 दिन हो गए हैं अभी तक मेरे आगे नहीं बढ़े हैं, बढ़ रहे गिफ्ट, पता नहीं क्या वजह है। हाँ इंशाल्लाह हो जाएंगे, डोंट वरी, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मसला हो रहा है ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही है सोशल मीडियाज़ पर, जो कि जिसकी वजह से जो है ना YTK रूल्स थोड़े सख्त हो गए, वो ज़्यादा नज़र रख रहे हैं तो क्या चल रहा है चैनल्स पर, तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद खलास ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमत कहती है न्यू सिस्टर सब की हम मदद करते हैं, उनके चैनल को ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं ताकि उसे सब भी हिम्मत हो। जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है इसमत सिस्टर। और प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली कहती है सिस बहुत
बस मोनेटाइज करवा ले चैनल एंड फिर वीडियो अपलोड करती रहना, और सब एक दूसरे को इंस्टा पर लाजमी से फॉलो कर ले। आफ्टर मोनेटाइज हेल्प होगी सबकी। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। और काफ़ी इस तरह से जो गाइड करती रहती है माशाल्लाह से। अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शूट कर ली हैं, सिर्फ एडिटिंग वाला काम रहता है वो थोड़ा करके ना, फिर आस्ते आस्ते वो भी अपलोड करूँगी। तो किस्मत के दिन सच में जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है तो दिल बेचैन हो जाता है। मोबाइल देखते रहते हैं, सबकी वीडियो आती है, सबसे बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ बिल्कुल। कभी कभी तो आप जो परेशानी को कुछ लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं ना परेशान। एक दिन मेरा भी यही था ना, मेरे 18 18 मेरा ख्याल है ड्रॉप हुए गिफ्ट। एक वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। 5 6 3 2 1 इस तरह से मेरे ड्रॉप होते रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं ड्रॉप हुए। तो उस दिन मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं था एलवी करने का। मैंने सोचा था कि छोड़ो रहने दो, सारी मेहनत रायगांव जा रही है, इतने ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। तो जब एलवी स्टार्ट की ना, सब आए और सब ने इतनी वो हिम्मत बढ़ाई और बातें गपशप करते रहे साथ साथ, कि जो है ना सारा जो दुख था ना मेरा वो उड़ गया। तो फिर मैं ठीक हो गई, अभी गले नहीं आलू। तो ये है कि फिर हम बिल्कुल वो लाइटली लेते हैं, जब सारे ही साथ गपशप करते हैं ना, मजाक वगैरह करती रहती हैं सिस्टर्स, तो फिर जो है ना बंदा फ्रेश हो जाता है। एक मिनट أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة अच्छा इस्मत कह रही है मेरा मकसद यही है सिस्टर जो न्यू हैं उनकी दिल से मदद करें सच में। जी जी बिल्कुल। और आला किचन कहती है प्रिंसेस लाइफस्टाइल मोनो तो हो जाएगा, फिर देखेंगे इंशाल्लाह, साथ मिलकर चलेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे कि आगे क्या होता है। प्रिंसेस लाइफस्टाइल इटली कहती है सिस आप के कितने सब ड्रॉप हुए मेरे मेरे कल जितने भी आए, खैर मुझे कल किसी और ने नहीं किया था, तो आपने जो गिफ्ट दिए थे वो सारे ही ड्रॉप हो गए थे उसी वक्त। ये नहीं कि घंटे गुजरते हैं ना, जैसे जैसे आप साथ करते जा रहे थे ना, तो वो पहले वाला ड्रॉप हो रहा था तो नेक्स्ट वाला आ रहा था इस तरह। तो फिर जो है इसीलिए मैंने इंस्टा पे आपको मैसेज किया था कि मेरा तो दिल ही बंद हो जाएगा। और इस वक्त कहती है इंशाल्लाह। और प्रिंसेस कहती है कि सिस मेरे 980 कम्प्लीट हो गए थे नेक्स्ट डे, और 912 रह गए 2 डेज में, सब ड्रॉप हो गए थे डियर, बट कोई नहीं फिर कंप्लीट हो जाएंगे, इसी से परेशान ना हुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। ये भी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उसी सेम आईडी से अगर कोई दो वीडियोस कोई और एक आध वीडियो दोबारा से देख लेना तो वो ड्रॉप हुआ वापस आ जाता है, और कभी नहीं आता। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मेरा अभी काफ़ी दूर है, 6 महीने तो मेरे तकरीबन लग ही जाएंगे मेरा ख्याल है। और प्रिंसेस कहती है मैं फिर से आपको गिफ्ट करूँगी
पास्ता नहीं, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मुझे पता है, मुझे ट्रस्ट है आप पे पूरा। चलो कोई बात नहीं, आपकी वजह से मुझे उस पर व्यूज मिल गए हैं, WT मिल गया है, तो थैंक यू सो मच। तो आपकी तो गलती कोई नहीं है ना, आपने तो माशाल्लाह से दिल से हेल्प की थी, वहाँ पर YT वाले ही नहीं आगे बढ़ने देते तो फिर बंदा क्या करे, कोई मसला नहीं। आला किचन कहती है अल्लाह मालिक है, हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ओके असलम बेटा, अब इजाज़त, डिनर तैयार कर रही हूँ, असर की अजान भी होने वाली है। ओके थैंक यू सो मच आला आंटी, आपने इतना टाइम दिया, जजाकल्ला खैर, और प्रिंसेस ने भी इतना टाइम दिया, इस्मत भी अभी साथ है, थैंक यू सो मच। और चार लोग हैं, कोई एक और है, और कौन है वो, तो थैंक यू सो मच। मैं भी अभी आप करूँगी ना, मैं इसीलिए थोड़ा मैं वेट कर रही थी कि चलो मेरे आलू बन जाए साथ में, तो चलो फिर मैं भी आप कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, आप सबने इतना साथ दिया। ओके संगीता की दुनिया, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, खुशामदीद है संगीता आपका, आपने ज्वाइन किया और आप थोड़ी लेट पहुंची है, मैं अभी ऑफ करने वाली थी। और प्रिंसेस कहती है सिस मैं साथ ही हूँ आपके अभी, थैंक यू सो मच प्रिंसेस, आप तो मेरी हिम्मत बन गए माशाल्लाह से, आप भी और हिजाब भी सारे साथ साथ रहते हो, हिम्मत दिलाते रहते हो। और लवली लाइफ इच्छा कहती है मैं थी आप, मैं भी, मैं अब आ गई, मैं थी मैं अब आ गई, अच्छा थैंक यू सो मच। और संगीता की दुनिया कहती है प्लीज़ कोई मेरे घर आए रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दूंगी। हाँ जी संगीता, आप आपने प्रिंसेस लाइफस्टाइल इन इटली को ज्वाइन किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इनको ज़रूर ज्वाइन करो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, फुल WT के साथ इनको ज्वाइन करो, फुल WT के साथ प्रिंसेस को ज्वाइन करो, इंशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट मिलेगी, डोंट वरी। हाँ जी संगीता, आप पहले ज्वाइन कर लो ना, तो फिर वो आपको, और हाँ प्रिंसेस को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, तो वहां पर वो प्रूफ भी भेज देती है साथ। तो संगीता कहती है प्लीज कोई मेरे घर, हाँ मेरे पड़ा है, आप आपके आपके हाँ हाँ जहर जोहर अजान हो रही है, हाँ जी मेरी जोहर की अजान हुई है यहाँ पर। और लवली कहती है असलम थोड़ा और आगे आ जाओ, क्या मतलब है? और इस्मत कहती है सिस्टर हाँ मैं चाय बना रहे हैं आप सब के लिए, थैंक यू सो मच इस्मत सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा संगीता कह रही है प्रिंसेस जी मैं अपनी दूसरी ID से आती हूँ, जी हाँ थैंक यू सो मच प्रिंसेस संगीता, प्रिंसेस आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, अगर आप उनको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा IDs हैं तो उनको ज्वाइन करना, आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है वहाँ से। और लवली लाइफ इच्छा कहती है मैंने मैंने देखना है आपका सिर्फ हाथ नज़र आ रहा है, नहीं जी आप मुझे नहीं देख सकती, सॉरी। हाँ जी लवली लाइफ विद शेफा कहती है ओके डियर थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर हाथ नजर आ रहा है तो इसी तरह मैं होती हूँ, वीडियोस में भी मेरा होता है, मैं अबाया पहनती हूँ, नकाब पहनती हूँ पूरा, रियल लाइफ में भी। किस्मत कहती है सिस्टर मेरे साथ ऐसा होता, गिफ्ट बढ़ते हैं कट जाते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, फिर भी, फिर अब भी, अब नहीं,
पर अब नहीं। अच्छा हाँ, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा टेंशन होती थी, अब आस्ते आस्ते ऐसे आदत हो गई है, यूज्ड टू हो गए हैं, अब ना गिरे तो पता हैरानगी होती है कि आज क्यों नहीं गिरे। और इस्मत कहती है अभी जो है जो न्यू शुरुआत की है वो सबकी वीडियो देखती रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा दिल करता है हम सब एक बार मिले इंशाल्लाह, लेकिन मुमकिन नहीं है सब इकट्ठे मिल सके। आलू भी आज गलने का नाम नहीं ले रहे, गल गए हैं। इस्मत कहती है प्रिंसेस लाइफ स्टार लाइफ स्टाइलर सिस्टर मेरा भी, मेरी भी हेल्प कीजिए। हाँ जी हाँ, इस्मत माशाल्लाह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरी साथ साथ रहती है एलवी में, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रही है ये भी मुझे। तो आप प्रिंसेस अगर इनकी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ इनकी भी हेल्प करना, और लवली लाइफ विद शफक भी, और व्हाट्सअप पे। ओके ओके, प्रिंसेस लाइफ स्टाइल इन इटली कहती है यू आर वेरी नाइस डियर, नकाब एंड हिजाब वेयर करना गुड है बट मैं नहीं पहनती, मुझे जिस ड्रेस में मैं कंफर्टेबल हूँ वो वेयर करती हूँ। दैट्स फाइन, इट्स ओके, हर इंसान की ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं इस पर किसी को वो लेक्चर वो नहीं देती, लेकिन मेरी अपनी चॉइस है और मेरा यही है, मैं शुरू से करती हूँ, मैं स्कूल के ज़माने से कर रही हूँ, मैं जब स्कूल में थी ना तब से मैं कर रही हूँ, यूके में आके भी मैंने नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कम्फर्टेबल नहीं रहती तो मैं हमेशा से करती हूँ। तो शुरू जब मैंने स्कूल में एट्थ क्लास में सिर्फ मैं बड़ी चादर लेती थी, फिर उसके बाद मैंने जब गर्ल्स स्टार्ट में हाई स्कूल ज्वाइन किया तो फिर मैंने वहाँ पर पूरा अबाया लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में शामिल हो गया। उस वक्त मुझे पर्दे का खैर इतना पता नहीं था, वो मैं मुझे तो अच्छा लगता था, टीचर्स वगैरह स्कूल में पहनते थे तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था ये अबाया जो है, तो फिर मैंने खुद लेना शुरू किया, उसके बाद फिर मैं लेती रही, तो शादी हुई, यूके में आ गई, तो अभी भी ये मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्मत सिस आपका इंस्टा है, प्रिंसेस पूछ रही हैं इस्मत सिस आपका इंस्टा है, और लवली लाइफ कहती हैं आलू कवर कर दो, आलू अभी पक रहे हैं, आलू को अभी मैंने दम लगाना है, तो फिर जो है क्योंकि ये आलू जो है ना यूके वाले, ये इनको बंद करके पकाओ ना तो ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, जो इनकी शक्ल ही नहीं रहती वो वाली आलू वाली, ये सारे जो है ना क्या कहते हैं उसके मुशी से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कवर नहीं किया था, अब मैं इसके मसाले वगैरह डाल के ना कवर कर दूंगी। तो एक बात है कि अगर आपका लिबास जो है वो खुला है, लूज है, उसमें जो पर्दे वाला होता है वो हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, तो आप अच्छा सा लूज सा लिबास पहन लो तो बस उसी में हो जाता है। अच्छा जी संगीता कहती हैं प्रिंसेस जी मैंने आपको 2 गिफ्ट कर दिया है, और
कमेंट भी किया है टू आईडी से, आप मुझे मेरी आईडी पर गिफ्ट कर दो, इंशाल्लाह वो कर देंगी, डोंट वरी। अभी वो करेंगी ना तो हो सकता है ड्रॉप हो जाए संगीता, वो कहती हैं कि वो 48 आवर्स के बाद करेंगी तो फिर वो ड्रॉप नहीं होगा, कमेंट छोड़ा है तो वो जरूर याद से कर देंगी। यासमीन व्लॉग सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, खुशामदीद है आपका मेरी अलवी में। यासमीन थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया है, पहले मैं संगीता के लिए रुकी हुई थी कि उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया था, तो अब आपने ज्वाइन किया है तो थोड़ी लेट हो गई है आप आज। जसमीन कहते हैं क्या बन रहा है आज आपके किचन में? मेरे किचन में आलू बने हैं आज माशाल्लाह से। और संगीता कहती हैं जी नहीं होगा, और प्रिंसिपल कहती है संगीता सीज 48 आवर्स का प्लीज इंतजार करना। जी जी, संगीता का इंस्टाग्राम भी है तो प्रिंसेस का भी है, संगीता आप इंस्टाग्राम पर उनको ज्वाइन कर लेना। तो फिर वो संगीता कहती है मैंने दूसरी आईडी से गिफ्ट किया है मैंने काका वीर, हाय थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया है, खुशामदीद है आपका मेरी अलवी में। और इस्मत कहती है इंशाल्लाह ऐसे जुड़े रहेंगे, बस ये कहेंगे मेरी शक्ल यहाँ की है, मेरी सिस्टर वहाँ की है, ये दुआ में हमेशा सब याद रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और संगीता कहती है जी आप उस आईडी पर गिफ्ट मत करना। जी जी, वो आपको मेन आईडी पे ही करेंगी, लेकिन ये है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों के ड्रॉप हो रहे हैं, प्लीज़ संगीता थोड़ा वेट कर लो तो फिर वो आपको जरूर करेंगी, ट्रस्ट मी। अगर आपको संगीता मेरे पे भरोसा है ना तो मेरा यकीन रखो वो जरूर रिटर्न करेगी। संगीता कहते जी आप मेरी संगीता की दुनिया पर ही करना। हाँ जी, संगीता की दुनिया पर ही करेंगी। डियर सिस मुझे अभी इजाजत दें, कल अलोंग आऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है प्रिंसेस सिस्टर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, मैं भी बस अभी यास्मीन आई थी तो मैंने सोचा कि शायद कोई शायद वो चली गई है तो मैं भी अभी ऑफ करूंगी, काफ़ी टाइम हो गया है, ये मिनट पूरा हो जाए तो मैं ऑफ कर दूंगी। थैंक यू सो मच, आप सब ने ज्वाइन किया है और इतना मुझे टाइम दिया है, जजाकल्ला खैर। और प्रिंसेस आपने तो माशाल्लाह से शुरू से लेकर एंड तक आप साथ रही हैं, थैंक यू सो मच। बाकी जो आप देख रहे हो प्लीज अल्लाह हाफिज का मैसेज लिखो ताकि फिर मैं अल्लाह हाफिज करूं, बंद करूं। ओके प्रिंसेस कह रही है अल्लाह हाफिज, सबको दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, वो अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियों कामरानियां दे सबको, आमीन आमीन। हलीमा भी साथ कह रही है आमीन आमीन आमीन। ओके इस्मत कहती है काका वीर भाई अस्सलाम वालेकुम, और आई थिंक वो चले गए होंगे शायद, वो हिजाब सिस्टर ने सबको बुलाया था, सबको भेजा शेयर की है, तो थैंक यू सो मच हिजाब सिस्टर का, और सब ने जिन्होंने उनकी तरफ से ज्वाइन किया था जजाकल्ला, अल्लाह ताला आप सबको अजर दे और इस कामयाबियां दे बहुत सारी। तो थैंक यू सो मच इस्मत, आपने भी इतना साथ दिया, मेरे साथ साथ रही शुरू से लेकर एंड तक, जजाकल्ला खैर, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। हाँ सिस्टर, हम लोग भी सिंपल और सादा जिंदगी जी रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल।
किस्मत के शलवार कमीज पहनते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसी में भी होता है, ये भी एक पर्दा ही है। तो लूज कपड़े सिर्फ लूज होने चाहिए तो उसमें भी पर्दा हो जाते हैं। इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हर एक की अपनी चॉइस है, तो जिस तरह से बेहतर समझता है वो उसी तरह करता है। और ये वेदर पे भी होती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर 2-3 लेयर्स मुश्किल हो जाती है कैरी करना। ओके, कहीं जाना ना होता तो भी बुरका पहनते हैं, कहीं जाना ना हो, जाना ना होता है तो बुरका पहनते हैं, कहीं जाना होता है तो बुरका पहनते हैं। अच्छा के समझ नहीं है, इस मत लॉन्ग सूट पहनती पहनते हैं हम भी सिस्टर। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं भी इस तरह से लॉन्ग ड्रेसेस लूज वाली जो हूँ तो फिर उस पर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोस्टली मैं जो है ना इसी तरह कंफर्टेबल होती हूँ। मैं अबाया पहनती हूँ, डिफरेंट कलर्स में पहन लेती हूँ, सिर्फ ब्लैक नहीं पहनती, डिफरेंट कलर्स में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन यह है कि ज़्यादा होता है या लॉन्ग ड्रेसेस शादी वगैरह किसी की हो तो वहाँ पर कोशिश होती है कि वह चलो थोड़ी लॉन्ग और लूज ड्रेसेस होती है वो वाली मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अब शादियों पर भी मैं मोस्टली अबायास ही पहनती हूँ। ठीक है इस्मत, थैंक यू सो मच। आप भी अपना कोई काम है तो प्लीज़ काम करो, आपको ने इतना मुझे टाइम दिया, साथ रही है, और जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, दिल से दुआ है सबके लिए, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी मैं जितनी हेल्प कर सकूँगी करूँगी। इस्मत आई थिंक मैंने आपकी वीडियो वॉच की थी, अब काफ़ी सारी सिस्टर्स की मैं वॉच करती हूँ, जब नोटिफिकेशन मिलता है उसी वक्त वॉच कर लेती हूँ कुछ, और कुछ जो रह जाती है वो बाद में कोशिश करती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जो कभी कभी रह जाती है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करोगे इंशाल्लाह, तो मैं कोशिश करूँगी मैं सबकी करूँ, साथ साथ करती रहूँगी। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये है कि कोशिश होती है कि मैं कम अज़ कम वीडियो ज़रूर वॉच कर लिया करूँ आपकी, आप सबकी। तो ठीक है फिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी कल सेम टाइम पे, अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो जो साथ हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करना। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।